रीडिंग्स एंड वेलकम बैक टू 2 ऑफ टूडे वेटिंग फॉर पीपल टू जॉइन जो भी रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको हमेशा ही स्किप करना पड़ेगा the start you will have to skip a little. Because this is more of a live sessions. And many people are interested in all this. Are you all there? Oh I can see some people. एवरी टाइम हार्ट एंड ऑल फ्लाई थोड़ी नथिंग फ्लू इतना पता नहीं चला ओके डिलेड रिस्पॉन्स है लेटमी जस्ट शेयर दिस जस्ट टेक जस्ट अ मिनट <clears> that. Welcome back, all of you. Nice to have you back. Okay. Now this will trigger all the posts here and there, and then. Sorry, a little late. पांच मिनट लेट हो गया वेलकम बैक वन या कुलदीप भाई आर वेरी गुड

उस टाइम पे भी और फकीर्स बहुत गाते हैं इनका गाना आई टेलिंग लास्ट वॉज पावर नैप एंड योग निद्रा अगर आप कर सकते हो वेरी वेल एंड गुड योग निद्रा इज वेरी पावरफुल ठीक है ना नेक्स्ट इज doing any kind of creative activity, any creative stuff. Find out what creativity is hidden in you, because ये creativity हमेशा pura जिंदगी दब जाता है क्योंकि एक बिजी lifestyle हमारा चलता है और अंदर होता है कुछ तो बचपन में हुआ रहेगा या अंदर टैलेंट रहेगा पता नहीं चलेगा सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज ऑफ जस्ट लाइक दैट दिस इज द राइट टाइम टू डिग एन फाइंड आउट वॉट कैन आई डू It might be a small painting, a small sketch, a small artwork, a small craft work, anything. Making a small design, any 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 kind of stuff that you can think of, or your photographic skills. Kuch log pe bate they are capturing the rains. It was nice. I was seeing on the Facebook. वो रेंस को भी अलग अलग तरीके से कैप्चर करके नीचे फ्लावर पॉट के पास से वेरी क्रिएटिव स्टफ एक बात याद रखना जब भी आप क्रिएटिव चीज करते हो देन यू आर एक्सेसिंग योर सबकॉन्शियस एंड यू आर एक्सेसिंग योर अवेयरनेस क्योंकि ये जो टैलेंट्स और ये जो एबिलिटीज होती है टू बी कनेक्टेड तब तक नहीं होता एक पेंटर कनेक्ट होना पड़ता है ये इन्वोकेशन करके कनेक्ट नहीं होते हैं मतलब दे डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन कॉन्शियसली डू दैट बट जैसे ही वो अपने आर्ट फॉर्म में रम जाते हैं अनोइंगली उनका सजगता बढ़ जाती है अवेयरनेस अनोइंगली होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड दे कनेक्ट टू हायर रैन एंड फ्रॉम वहां से वो प्रेरणा वो डाउनलोड इंस्परेशन सब आता है दैट इज हाउ सम पीपल इफ यू सी दे पेंट वेरी वेल

ऐसा नहीं है कि उसको उसमें आपका टैलेंट ही होना है जरूरी नहीं है इट कैन बी डेवलप्ड एनी टाइम आप उसको धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो तो आपको किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो देख के यू कैन डेफिनेटली गो एन टू डर हैंडल कुछ भी हो सकता है स्किल्स मैनशिप हो सकता है बिकॉज वेन यू डू दीज एक्टिविटीज एज आई टोल्ड यू यू कनेक्ट टू दायर रैन सजगता आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें करी जा रहे हो इसलिए एक म्यूजिशियन भी जब म्यूज़िक बनाता है तो खो जाता है वो इज़ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ही कैन नॉट बी डिस्टर्ब उसकी एकाग्रता शार्प हो जाती है उसकी परसेप्शन शार्प होती है उसकी अवेयरनेस सेंस ऑफ अवेयरनेस शार्प होती है उसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाता है और वो वहाँ से दूसरे डायमेंशन से ये सब चीज़ें उतरती है उसके अंदर जहन के अंदर और वो अपने कला द्वारा उसको रिक्रिएट करके उसको वहाँ पे प्रस्तुत करता है तो दैट इज वाई पीपल गेट कनेक्टेड टू वॉट दे आर फैक्टर आता है सब इसी से आता है तो फाइंड आउट वॉट क्रिएटिव स्टफ यू कैन डू। इफ यू कैन मैंशन एनी अदर क्रिएटिव एक्टिविटी यू कैन हियर। इसके अलावा मैंने कुछ बोला जो भी बोला उसके अलावा और कुछ है तो भी आप बता सकते हो यहाँ साउंड प्रॉब्लम और समथिंग आई थिंक साउंड थोड़ा कम है आई जस्ट प्लग इन सुबह मैंने ये सब नहीं लगाया था बिकॉज क्लैरिटी आ रही थी दो दिन से फिर मैंने फीडबैक से देखा कि साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है और कुछ क्रिएटिव चीजें आप सोच सकते हैं तो यू कैन पुट डाउन हियर बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग दैट आपने किया है या कोई कर रहा है यू कैन लेट मी नो लेट एवरी वन नो तो दो थिंग्स मोटिवेट अस टू लेट अस नो कि वी डू दिस इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये सब स्पिरिचुअलिटी इवन अ पेंटर अ पोएट देखो बुल्ले शाह जी पोएट्री करते थे कहाँ से हो सब पोइट्री उनका दूसरा डायमेंशन से आप पढ़ के देखो उनकी पोइट्री अलग होती थी सूफी गाने जो गाते थे या म्यूजिक कंपोज करते कवाल जो थे उस टाइम के सूफी सिंगर जो थे लाइक अबिदा परवीन एंड यू लुक एट देयर फेस यू विल कम टू नो कि दे आर नॉट जस्ट मेरेली टॉकिंग समथिंग फ्रॉम द फेस बातों से पता चलता है वो जैसे बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं उससे पता चलता है उनका दिनचर्या कैसा है उससे सब पता चलता है मोस्ट ऑफ देम उनका जो इंटरव्यूज भी आप देखो लाइफ में क्या कर रहे हैं यू विल कम टू नो हाउ देयर लाइफ इज गोइंग सो दैट्स हाउ पावरफुल इट इज नाउ आई थिंक नाउ द साउंड विल बी मोर क्लियर एनी अदर क्रिएटिव एक्टिविटी यहाँ पे कोई क्रिएटिव लोग नहीं है फोटोग्राफी फोटोग्राफी तो बताया मैंने उसके अलावा फोटोग्राफी पेंटिंग आर्ट्स क्राफ्ट वर्क इंटीरियर डिजाइनिंग स्केचिंग लैंडस्केपिंग रंगोली <laughs> रंगोली डालती any kind of artwork even made be even crayon paintings or watercolor paintings or oil paints whatever poetry is very good if you are doing poetry it is very good poetry आप भी कर सकते हो हम बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं ऐसा नहीं होता सब में होता हो। उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया तो ऐसे क्यों होता है कि किसी को पोएट्री आता है आराम से लिख लेते हैं और कोई नहीं लिख सकता ऐसा क्यों है कि कोई म्यूजिक से कनेक्ट हो सकता है कोई नहीं हो सकता ये सब जो भी है इट इज द कनेक्शन दैट पर्सन जो भी कनेक्टेड है वो आराम से पोइट्री लिख लेगा उसका तत्व में है वो कनेक्शन का तो वेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग यू कैन टैप इन टू दो जहां से ये शायरी आ रही है हाँ रंगोली बताया मैंने पूरी जी कलरिंग सोहम आई प्ले फ्लूट वेरी नाइस फ्लूट इज वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट इफ यू कैन मास्टर इट इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता ना कोई पैकेजिंग लगता है ना कैरी करना मुश्किल है मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट इज द फ्लूट हारमोनी का भी है जो बजाते हैं बट दैट ऑल्सो इज वजन होता है उसका छोटा है लेकिन वजन होता है लेकिन फ्लूट का क्योंकि लकड़ी कालो है इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड द वॉइस जो वो प्रोड्यूस करता है साउंड दैट इज मेस्पराइजिंग फ्लूट सीधा अनाहतनाद. अनाहत नाथ अनाहत सॉरी अनाहत नाथ नहीं अनाहत को छूता है जाके या प्रभज जी पेस्टिंग पोस्टिंग ऑन एफ या क्रिएटिव बोल रहा हूँ मैं पोस्टिंग तो हम सब करते ही है कुछ तो कुछ पोस्ट करते ही है क्रिएटिव पोस्टिंग क्रिएटिव इज वेरी डिफरेंट समथिंग यूनिक जो आपका एक्सप्रेशन हो समथिंग डिफरेंट आपने देखा होगा मैं पोस्ट डालता हूँ कुछ तो कुछ वो सिमिलरिटी ज्यादा नहीं रखता कुछ तो कुछ नया 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 तो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम दी योर अप्रोच टू लाइफ अगर आप की आंखों में हीरे तराशने वाला एक चमक है या ब्यूटी तराशने वाला एक चमक है यू विल बी वेरी क्रिएटिव नहीं है तो यू कैन डेवलप इट सजगता करते करते दैट विल कम ऑटोमेटिकली द मॉर्निंग आई गो टू टॉप हिल टॉप हिल थोड़ा थोड़ी क्रिएटिव है नो 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 नेचर गोइंग इज नॉट क्रिएटिव क्रिएटिव इज योर टैलेंट योर एबिलिटी टू डू समथिंग इज़ वेरी क्रिएटिव नेचर में तो सब घूमते हैं प्लस टॉयज ये गुड क्ले टॉयज प्लस टॉयज इट्स अ कैंडल वर्क होता है मैंने वो देखा है

या ब्लॉगिंग वगैरह जो भी करते हैं उसको द वे दे अरेंज द फूड दैट दे मेक एंड द फोटोग्राफी एंड उसको डिस्क्राइब करना वो एक कला है इट अ स्किल इट इज क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी विल कम टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर मतलब आपके हाथ में कुछ भी दे दो आप उसको सुंदर बना दोगे वैसी होनी चाहिए एक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए मतलब आप एक फ्लावर को देखो अगर एक फ्लावर को देखा आपने यू कैन राइट अ पोएट्री ऑन इट शायर सारे वैसे ही होते हैं इवन फिल्मों के वगैरह जो भी होते हैं उनको सिर्फ सीन बताना पड़ता है ऐसे ऐसे देन दे विल क्रिएट थिंक इन देयर इमेज एंड देन दे विल स्टार्ट राइटिंग सॉन्ग्स यस एम्ब्रॉयडरी वर्क इज वेरी क्रिएटिव ऑल दीज आर वेरी क्रिएटिव स्टफ कुकरी टेलिंग यू इफ यू आर बिकॉज कुकरी सब तो कुकिंग करते ही है बट इफ यू आर्ट एंड क्रिएटिविटी मैटर्स तो उसमें एक डिफरेंट चमक आता है इवन द पीपल यू आर ऑफरिंग टू जिसको भी आप ऑफर कर रहे हो उनको आप जो बना रहे हो आपको प्लस वो जब आप कर रहे हो फूड के साथ भी एक सजगता आती है अलग से एक आइडिया एक कनेक्टिविटी एंड डिफरेंट एनर्जी गोज इन टू दैट फूड दैट यू आर डूइंग टेक्सटाइल डिज़ाइन या एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन इन फैक्ट क्रिएटिव डिज़ाइनिंग इवन अ फोटोशॉप डिजाइनर इज अ वेरी क्रिएटिव आर्ट जो सॉफ्टवेयर पे आप क्रिएटन्स करते हो यू कैन डू दैट लॉट ऑफ स्टफ यस मैं राइटिंग नेगेटिव भी होता है बट यू कैन इफ देन दैट स्टार्ट चेंजिंग द क्वालिटी स्टार्ट चेंजिंग नॉर्मली पीपल वो जो नेगेटिव लिखते हैं वो उनमें पहले से ही इनबॉर्न टैलेंट होता है लेकिन हालात की वजह से वो वो यूज करते हैं उस टैलेंट को सपोर्ट करते हैं लाइक like म्यूजिशियंस होते हैं उनमें वो इनबॉर्न टैलेंट होता है लेकिन वो हालात उनको वो भार लाता है वो चीजों को कई बार मैंने देखा है फॉर एग्जाम्पल इवन म्यूजिशियंस अच्छे अच्छे गिटारिस्ट को मैंने देखा है ऑर्केस्ट्रा फील्ड ऑर्केस्ट्रा में हम लोग गाते थे एंड आउट ऑफ टीम्स तो काफी musicians होते थे वहां पे सारे लोगों को मैंने देखा उसमें जितना गिटारिस्ट होते थे सारे बोजर्स थे They या देर टू ऑन टू सम ड्रग्स और गांजा और इस टाइप के म्यूजिशियंस में खास होता है मैंने देखा है पता नहीं क्यों और वो काफी दुखदायक जिंदगी होती है उनकी म्यूजिशंस की बट दे रिमूव देयर पैशन इन देर देर पेन दे कैन रिमोव इट इन देर म्यूजिक अगर आप सुनोगे उनका म्यूजिक यू कैन वो दर्द आपको महसूस होगा इवन गायकी में सिंगर कैन रिमूव द पेन इन दिंग थ्रू सिंगिंग ये सब आउटलेट्स है शिविर का नोट्स तो क्रिएटिविटी कुछ नहीं है क्रिएटिव यानी कि अप्लाइंग दैट माइंड विच मेक्स यू डू समथिंग विच इज डिफरेंट मेहंदी मेहंदी इज क्रिएटिव बिकॉज एवरी टाइम द डिजाइन चेंज एंड एवरी टाइम वो आपका मन आपका अंतर मन बनाता है वो डिजाइन को अपने आप नहीं बनता यू कैनॉट लर्न दीज टैलेंट आई डोंट नो वो कैसे सिखाते हैं लर्न अ टैलेंट यू कैनॉट लर्न इट यू हैव टू इम्बाइब इट उसको सिखाया नहीं जा सकता आई डोंट नो हाउ दे टीच पेपर आर्ट तो इतने सारे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं यू कैन चेक आउट ऑल दीज लिस्ट दैट पीपल आर पुटिंग इन द कमेंट्स और पिकअप वॉट सूट्स यू या फिर मैं बोल रहा हूं आंख अगर खुला रखोगे आप एंड जस्ट इफ यू आर वॉचफुल और वेयर और सजग यू कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग लाइक like आप चलते फिरते रह रहे हो आप मोबाइल से भी कुछ क्रिएट कर सकते हो एनी थिंग मुझे वो आदत है वो कीड़ा बोलते ना, है ना कीड़ा है वेरी वॉचफुल कुछ भी देखा 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 कुछ भी दिखा उसमें एक स्टोरी निकाल दो यू शुड बी एबल टू स्टोरी टेल एनी थिंग स्टोरी टेलिंग आई फोट दिस स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट स्टोरी टेलिंग इज अ पावरफुल आर्ट इट इज अ वेरी क्रिएटिव पैशन

then you can tell it express it sakte you can write it down or you can play it out in the music if you know storytelling even some musicians are there just the storytelling story, the story the script and then in the music they can express it completely like arm and i said the Voviek art it is a very deep passion the art of storytelling anything that you see आप उसको एक हैबिट बना सकते हो एनी थिंग जा रहा है उस पर भी इट्स फन इट्स वेरी क्रिएटिव इट्स वेरी रिलीजिंग एंड इट इज वेरी कनेक्टिंग सजगता बढ़ती है उससे क्योंकि आपका जो आप फोकस कर रहे पे हो ना उस पर आप सजग हो गए अब आप उसको नॉर्मली नहीं देख रहे हो एक कीड़े को कीड़े की तरह नहीं देख रहे जैसे नॉर्मली आदमी देखता है कीड़ा है हटाओ या मार दो उसको अज्ञानता वाली जिंदगी हो बिकॉज आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कीड़ा है कुछ है। मतलब यू आर नॉट रिलेटिंग टू लाइफ अराउंड यू उनको लगता है कि ये ही सुपीरियर बाकी सब तो नाउ वेन यू अप्रिशिएट नेचर वेन यू अप्रिशिएट द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस वो कीड़े में भी एक आपको ग्रेस दिखेगा वो चल रहा है इट्स वॉकिंग तो एक फील आएगा वो कीड़े से भी आप प्रेरित होके म्यूजिक बना सकते हैं कितने ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो लोगों ने प्रकृति से इंस्पिरेशन लेके आर्ट बनाया प्रकृति से इंस्पिरेशन लेके म्यूजिक बनाया प्रकृति से इंस्पिरेशन लेके स्टोरीज बनाया वी नी टू डू दैट बिकॉज वो सजगता है दीज आर ऑल प्रैक्टिस ऑफ सजगता हर एक चीज में आप सब्जेक्ट को के वाच कर रहे हो इसमें से क्या बेस्ट निकल सकता है मेरे सारे मैक्सिमम पोस्ट मैं इतने साल यही करता आया अब कुछ भी देखो एक बिल्ली दिखा खेलते हुए मैं उसमें से कुछ क्रिएटिव निकाल एक स्कॉर्पियन चल के जा रहा है उस स्कॉर्पियन के पीछे लग के कुछ क्रिएटिव निकाल लेता हूं दो ट्रेन जा रही है आसपास तो आई क्रिएट विजुअल इन वो दोनों की रेस लगी है एंड देन मैंने एक वीडियो भी डाला था जो टू ट्रेन आर चेसिंग इच अगर, एक हमारा ट्रेन और एक बगल ट्रेन तो उधर लोनावला खंडाला घाट्स कितना ब्यूटीफुल लगता है बना दिया उसको नहीं मतलब बट ये जब आदमी बैठ के सजग होकर इस देख रहा है इज अ ट्रैवलर वो तो देख रहा है वो चीज उसका इन सब चीजों में कुछ ना कुछ कन्वर्ट करते रहने का मन करता है दैट इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ कनेक्शन कनेक्टेड रहेंगे तो ये सब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ट्रैवल में मैंने पोएट्री लिखता हूं पोस्ट लिखता हूं ये सब चीजें जो फैशन में आ सकते हैं उस टाइप का फोटोशॉप डिजाइनिंग करता हूँ एक्शन दिस म्यूजिक कमिंग दिस क्लोजिंग ट्रांजिशन है कहा किसको डालना है किसको एंड करना है बीट पे कैसे लेना है इट्स ऑल वेरी क्रिएटिव विध एंड यूर डूंगेरी पैशनेट एंड योर सजगता इंक्रीज उन सब चीजों में इसलिए ऐसे लोग खोए रहते साइंटिस्ट लोग अगर आप देखो रिसर्च करने वाले खोए रहते उसमें डीप पैशन टू दैट टास्क सिंगिंग यस आपने लिखा कुकिंग बेकिंग टेलिंग तो डाला मैंने सुडोको सॉल्विंग या सुडोको सॉल्विंग हो क्रॉसवर्ड सॉल्विंग हो पजल सॉल्विंग हो चेस हो दीज गेम्स आर वेरी क्रिएटिव गेम्स इट स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड एंड यू बिकम देखो चेस में भी देखो आप लोग जो लोग वेरी थॉटफुल, सजग हो जाते हैं एंड दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग एट वन टाइम चेस इज अ ब्यूटिफुल गेम कैरम बोर्ड आप खेलो एट वन टाइम यू आर सींगाग्रता एक आपके स्ट्राइकर पर है एंड हिट Hit करने के बाद वो जहाँ जाता है वो आप देख रहे हो खत्म इट इज नॉट अ क्रिएटिव गेम चेस इज क्रिएटिव बिकॉज आप एक मूव भी रख रहे हो तो आप एक मूव रखते रखते आप साइमल्टेनियसली अलग अलग डायमेंशन से देख रहे हो मैंने ये रखा तो ये इधर से आ ये इधर से ऐसे आ सकता है ऐसे आ सकता है माइंड इज यूटिलाईजिंग इट सेल्फ इन सजगता ऑफ एवरी जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी देखो वो भी देखो सब एक साथ अंदर फील करो बाहर फील करो इट चेस इज काइंड ऑफ गेम्स आर वेरी क्रॉसवर्ड पजल्स जो होते हैं आपको पता है एक ऐसे लिखा तो यू आर ऑटोमेटिकली इमेजिन ये ऐसा है तो दूसरा वर्ड ऐसा आ सकता है तीसरा ऐसा आ सकता है साइमल्टेनियसली विच इज वर्किंग सजगता बहुत शार्प होती है उससे परसेप्शन So these improve and plus a chair time pass. Be. Yeah. <laughs> Rubik cube solving. Adams is very beautiful. Very, very beautiful. Powerful. Yeah. Once I drew the father of face of my father, I was surprised how did I do it?

बिकॉज इफ यू आर कनेक्टेड एंड इफ यू आर ऑलवेज सींग ब्यूटी इन एवरीथिंग आप करते ही रहोगे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहीं भी जाओ हर एक चीज जो आपको मिल रहा है उसमें छेड़खानी करते ही रहोगे एंड यू विल ब्रिंग आउट समथिंग ब्यूटिफुल आप मुझे बत्तर से बत्तर भी एक चीज दे दो मैं आई गिव इट बैक टू यू ब्यूटिफुल यू गिव मी अरेबल स्टोरी आई मेक इट अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड गिव इट बैक टू यू यू गिव मी अरेबल पेंटिंग मैं उसमें एब्सट्रैक्ट बना के समथिंग ब्यूटीफुल आई कैन गिव इट बैक टू यू

तो कुकिंग आप करते हो कुकिंग सब चीज कर रहे हो रेगुलर चीज है नहीं वो रेगुलर उसके अंदर और कैसे क्या बेहतर बना सकते हैं फ्यू थिंग्स होता है इट इज अ हैबिट दैट यू डेवलप तो ये हैबिट हेल्प्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे मैंने देखा है ये सब हैबिट्स बहुत हेल्प करता है क्योंकि आगे जाके भी वो लाइफ के अंदर भी लाइफ के अंदर भी आपको एक नेगेटिव दिखा बैड सिचुएशन दिखा तो आप उसमें से अच्छा उसको कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे Whatever that situation, you will not leave it. You'll want to transmute that. Because it's all transmutation. Eh? You give anything bad, I'll transmute it and give it back to you in a different way. Something like you give me something broken, I'll repair it and give it back to you. You give me a broken heart, I'll heal it back and give it back to you. I getting it. That kind of an approach. Anything broken, puta puta. एबिलिटी टू डू दैट एंड ये सब जो अभी कर रहे हैं इट कम्स फ्रॉम दैट फाउंडेशन ओनली टू सी एवरी थिंग स्पॉन्टेनियसली और जब आप ये करते हो यू हैव अट करेज हर चीज में आप देख रहे हो नाव यू हैविट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कुछ भी दो यू कैन डू दैट इट्स लाइक अस टच यू टच इट एंड इट बिकम्स गोल्ड तो वो हैबिट्स है इट कम्स तो वेन यू डू दैट यू कैन मतलब दैट इज मेक्स मी डू द लाइव वेरी कॉन्फिडेंटली उसमें कोई अप्रीहेंशन नहीं होता ये नहीं होता कि क्या कैसे क्या कौन ये पूछेगा वो क्या करेगा पर इतना कॉन्फिडेंस है बिकॉज देर इज अ वेरी विल इन दैट कि एनीथिंग दैट कम्स इन दिस फॉर्मल कैन बी ट्रांसमिटेड इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड बैक टू वॉट द इंटेंशन इज तो पीपल वो आर कन्फ्यूज

ए आर रहेमान के साथ भी perform करते बट इज इंडिपेंडेंट एंड एक्सलेंट परेशन उसका जैसा कोई नहीं इंडिया में, वो जो बजाते हैं सिंगल तो थिंग कटोरा भी दे दो ब्यूटिफुल म्यूजिक आउट ऑफ दट कटोरा वो बजाने शुरू करता है कटोरा चमच दे दो क्रिएट समथिंग एल्स प्लेट दे दो प्लेट पर बजाने शुरू कर देंगे कुछ नहीं टेबल दे दो टेबल पर बजाएंगे कुछ नहीं आप मोबाइल ही दे दो मोबाइल पर बजाएंगे एंड डिफरेंट साउंडीफुल तो ऐसे एक शो में मैंने देखा उनको ये दिया गया वो दिया गया सब दिया गया सब दिया, सब दिया। उसके हाथ में जो भी उनके हाथ में दे रहे वो उसको ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड इज क्लैपिंग एंड क्लैपिंग बिकॉज वो रुक ही नहीं रहे लास्ट को वो जो दे रहे थे उन्होंने सब कुछ छीन लिया उनके हाथ से बोले आप क्या करते हो then he started. That and then chest पे बजाना. रिदम सो so उसको कुछ भी दे दो या कुछ नहीं दे दो तो भी वाई बिकॉज दैट क्रिएटिव माइंड इज सो पैशनेट की नथिंग भी कैन क्रिएट पीपल आर वेरी गुड हैबिट एंड ऐसे लोगों का अवेयरनेस वेरी सिंपलिस्टिक है ये इनका पर्सनल लाइफ लोगों को ज्यादा पता नहीं है तो दे आर सीन ओनली एज अ सेलिब्रिटी लेकिन मैं ऐसे लोगों को ज्यादा फॉलो करता हूँ लाइक like ए आर रहमान जी एंड शिवमणि जी हुर वेरी डाउन टू अर्थ हम्बल बिकॉज दैट हम्बलनेस इज अ क्वालिटी ऑफ दैट दैट सजगता वो सजगता से वो क्रिएट करते हैं बड़े बड़े चीज एट द सेम टाइम वो हम्बलनेस भी रहता है उनके अंदर वेरी सिंपल पीपल शिवमणि ऑल्सो इज वेरी सिंपल वो कभी कभी घर लौटते हैं लेट uh, अपना मेहनत करके वो सब तो कभी मन किया तो रास्ते में चलते चलते आए भिखारी लोगों को देखा रास्ते भी सोए गए जाके उनके बगल में लेट गए सो गए रात पूरा वहाँ बिताया सुबह उठ के चले गए काइंड ऑफ अ पर्सन इज अ शिव वक्ता सेलिब्रिटी है एवरीथिंग इज देयर बट वेरी सिंपल मैन फकीर जैसा सी द क्वालिटीज और वो टैलेंट वो इट्स ऑल कनेक्टेड सब चीजें कनेक्टेड है दीज विल बी वेरी क्रिएटिव पीपल सेंट्स आर क्रिएटिव पीपल यू सी ऑल सेंट्स दे आर वेरी क्रिएटिव दे कैन क्रिएट क्रिएट क्रिएटिविटी ठीक है दे कैन क्रिएट इन डिफरेंट वेज डिफरेंट रिजल्ट बिकॉज जब तक यहाँ क्रिएटिविटी नहीं आता बाहर रिजल्ट आ ही नहीं सकता फर्स्ट यहाँ आना चाहिए तो ऑल दाइटन बीन ऑल द मास्टर्स दे आर वेरी क्रिएटिव क्योंकि उन्होंने एक पूरा बिल्डअप कर लिया एक सिस्टम सेटअप कर लिया एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया ये लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन दैट वेरी क्रिएटिव दे आर गुड विजुअलाइजर्स एंडुलाइजेशन तभी हो सकता है इफ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड एंड क्रिएटिव माइंड सबका होता है बट मैंने बोला वो लोग मन से कोशिश करते हो वैसा नहीं होता क्रिएटिव माइंड में जाने के लिए यू हैव टू गो टू एक्सपांड योर होराइजन एक्सपांड योर अवेयरनेस तो बिकम एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन क्रिएटिविटी सो क्रिएटिविटी के बाद वी हैव विजुअलाइजेशन अगेन ये क्रिएटिविटी से कन्वर्टेड ही है लेफ्ट हैंड से कुछ लिखना या काम करना या दैट इज आल्सो क्रिएटिव डेफिनेटली क्रिएटिव बिकॉज लेफ्ट हैंड से नॉर्मली हम काम नहीं करते बट यू हैव टू यू कैन चैलेंज दैट बिकॉज मेनी पीपल डू दिस काइंड ऑफ अ लिविंग वो राइट right हैंड से ब्रश करते हैं तो फॉर अ चेंज वो लेफ्ट हैंड से करेंगे क्योंकि वो ठीक से नहीं होगा लेकिन दे चैलेंज देम सेल्फ फॉर द अनकंफर्ट जोन्स तो एक मेंटल प्रोग्रामिंग वो कर रहे हैं कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो जाके एक चीज जो उनके हैबिट में नहीं है उसको जबरदस्ती करके उसको ट्रेन कर रहे हैं एंड वाइल दे डू इट दे आर हेल्पिंग द राइट ब्रेन क्योंकि राइट right हैंड से जो भी आप करते हो ये लेफ्ट ब्रेन इज कनेक्टेड टू यर राइट साइड ऑफ द बॉडी राइट ब्रेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी तो दैट मीन्स जो भी हम राइट right हैंडेड है हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो गया जो भी राइट हैंडेड लोग हैं और जो लेफ्ट हैंडेड है उनका राइट ब्रेन स्ट्रांग बिकॉज ये एक्टिविटी पूरा इधर से ये इधर से इंपल्स रहा है लेकिन जो दोनों हाथ से कर सकते हैं वेरी लेस पीपल आर देयर ऑन अर्थ जो दोनों हाथ से कर सकते हैं देयर इज वेरी गुड बैलेंस

ऐसे ही विजुलाइज़ कोई भी करता है अगर मैं बोलूँ नींबू के बारे में सोचो तो आप कोई भी सोच लेगा आम के बारे में सोचो एप्पल के बारे में सोचो कोई भी सोच लेगा लेकिन अगर मैं बोलूँ वो एक क्रिएशन जो आपको मैनिफेस्ट करना है चीज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप और प्रॉपर्टी तो उसको क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन चाहिए वो टाइप का विजुअलाइजेशन एंड फील यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर्टी वो इजी है पिक्चर लाना बट आपको उस प्रॉपर्टी से अटैच करके विजुअलाइज करके हाउ यू आर लिविंग इन दैट प्रॉपर्टी हाउ आर एंजॉइंग वो थोड़ा डिफिकल्ट है अगर पर्सन क्रिएटिव ज्यादा नहीं है थो. तो बोलते कि मैं उतना नहीं कर पाता तो जिसका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग समझ लो उसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो गया बिकॉज विजुअलाइजेशन इज मैनिफेस्टेशन जो आप रिपीटेडली स्ट्रॉन्गली विजुअलाइज करते हैं वो तरंगे हैं इट गोज आउट लाइक वाइब्स और वो जाके क्रिएट करता है बाहर इट नेक्स्ट थिंग इज फूड एंड डायट सजगता अगर आपको मेंटेन रखना है और मेडिटेशन और चीजें इज़ी करनी है डाइट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्योंकि वो अगर आप चेंज नहीं करोगे एम्बीड एक्स्ट्रेस करेक्ट दोनों हैंड्स का वो अगर आप चेंज नहीं करोगे वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको सपोर्ट सिस्टम्स बनाने हैं ऑपोजिशन सिस्टम्स नहीं ऑब्सेकल सिस्टम्स नहीं बनाने हैं सपोर्ट सिस्टम बनाने हैं जो आपके जर्नी को सपोर्ट करे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यू लुक एट योर डाइट, मॉर्निंग टू इवनिंग व्हाट यूर ईटिंग क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर यह होता है कि बारह घंटे ठूस हो सब कुछ ठूस क्योंकि कुछ करने को होता नहीं है, करने को इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ये सब पॉइंट्स नहीं ध्यान रख रहे हो नाउ व्हेन यू है तो दिस इज वन वे एंड क्रेविंग से ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉडी नीड्स सपोर्ट सिस्टम क्योंकि आपका चेतना जब बढ़ रहा है तो वाइब्रेशंस आपके अलग हो रहे हैं या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लाइट टू सेंटरिंग मोर एनर्जी फ्लो अलग हो रहा है तो ये सब हाई फ्रिक्वेंसी जब हो रहा है दैट मीन्स बॉडीज ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग हायर उसके अंदर अगर डेंस या ग्रॉस एनर्जी वाले फूड रहेगा तो वो उसको नीचे लाएगा तो आप कितना भी ये बाहर से करते रहो आपको वो पुल नहीं आएगा बिकॉज ऑफ हैवीनेस डाइजेस्टिव इश्यूज या जो भी है एंड वॉट एवर फूड कैन कॉज ऑल दैट प्रॉब्लम्स

फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर समर्ली इन द मॉर्निंग नाइट दिन में कभी भी याओ या मोबाइल पे लगाओ फोर ओ क्लॉक टाइम तो जैसे बजेगा आपको याद आएगा ग्रेटिट्यूड तो जस्ट सोचते ही आपको पता चलेगा वॉट टू बी ग्रेटिट्यूड थाउजेंड ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटिट्यूड हम बोलते हैं कि सिर्फ गॉड को करना है गुरु को करना है फ्रेंड्स को करना है

फीलिंग सो नाइस थैंक यू आप देखो जैसे आप बोलोगे उस चीज को भाव के साथ किसी को वर्बली बोल सकते हो तो बोल अच्छा ही है तो दिल से ऐसे चीजों पर कुछ भी एनीथिंग इन नेचर एक विंड ब्लो किया चेहरे पर ओह ओ थैंक यू सो ग्रेटफुल टू यू यू गेव मी दैट कंटेंट एक झोंका या रात को आप देख रहे हो तारे दिख रहे हैं थैंक द स्टार्स थैंक द मून य लुकिंग सो प्रिटी एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड कि यू ब्रॉट मी जॉय आपको देखने से आनंद आ गया थैंक यू फॉर दिस मोमेंट तो ये भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटिट्यूड सुबह से लेके शाम तक आप कुछ भी करके एंड यू कैन कीप ऑन एडिंग इट तो अगर करते करते एक हमेशा ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुलनेस का एक भाव हो ग्रेटफुलनेस का भाव नहीं है तो सिकड़ा हुआ आदमी है उसका विपरीत जो है इट इज सेल्फिशनेस उसका ऑपोजिट स्ट्रेट इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर सेल्फिश मतलब अपना काम निभा लो चूस के चबा के खा के निकल जाओ दैट इज अ वेरी हॉरिड वे ऑफ लिविंग पशु भाव थर्ड जैसे कुछ आया खाया पिया थूक दिया, अच्छा बोल दिया बोल दिया, निकल गए घर के अंदर भी जो रोज आप खाते हो किसी का मेहनत है भाई कोई सुबह उठ के बनाता होगा बनाती होगी कितना मेहनत लगता होगा उसमें सुबह शाम तक यू कैन से वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन अप्रिसिएशन इज ग्रेटिट्यूड अच्छा बना है और rather than criticism. Criticism is selfishness. ये ठीक नहीं है उसमें वो ठीक नहीं ये वैसा नहीं बना ऐसा नहीं बना यानी कोई चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है हर चीज में अपना काम निभाओ छूस के चबा के फेंक के चले जाओ रैदर इफ यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड और तहे दिल से ही

Anybody does anything gratitude. I see so many people here thanking, thanking, thanking. I feel good for them. Because, an expression of gratitude, they got something, they felt something, and they pour out. They pour out. You know, when you pour out that, you are sending vibes to the atmosphere, to the universe I deserve this, I am worthy of this. ये जो भी मेरे लाइफ में मिल रहा है मुझे जो भी चीज है आई से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम टेलिंग टू द यूनिवर्स थैंक यू फॉर गिविंग मी मोर इनडायरेक्टली आई डिजर्व मोर बिकॉज ये मुझे यूजफुल हुआ है एक वाइब्रेशन चला गया हालांकि अगर ग्रेटिट्यूड नहीं रहा खाया पी अच्छू सा अच्छा निकल गए तो मैं वो उन्हें बोल रहा हूँ कि यू हैव टू डू इट बट आई एम टेलिंग यू आर मेनी पीपल हु आर ओनली टेक लाइक गुरुदेव के साथ भी रहते रहते मैंने देखा ग्रेटिट्यूडीट्यूड कुछ नाम का चीज ही नहीं आओ अपना काम कराओ निकल जाओ बस वो भाव भी नहीं है वो सोच भी नहीं है तो ऐसे कई जगह पे देखा मैंने दरबार में सिर्फ झांक के कर लो अपना काम लाइफ में भी होता होगा मुझे मालूम नहीं झाको अपना काम करो चुप चुप हाँ गैदर एवरीथिंग एंड फुटो कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं है फुटो काम बन गया मेरा टू मच ऑफ सेल्फ दिस एनर्जी उस टाइप का आप भेजते हो बाहर कि आई आई डोंट वांट दिस मोर मैं इसके लिए हकदार नहीं हूं इसका लायक नहीं हूं व्हेन इज नो अप्रिसिएशन फॉर समथिंग घर पे भी किसी ने कुछ किया दिया या फ्रेंड्स ने दिया किसी ने दिया कुछ भी हेल्प किया कहीं से भी हेल्प आया कुछ भी आया अगर टू हार्ड कोर यू गो देन किसी और को डैमेज नहीं करता हमको ये मारता है वो वाइब्रेशन वाइब्रेशन इनडायरेक्टली हम बोलते हैं आई डोंट केयर फॉर इट आई डोंट वैल्यू वॉट यू गेव मी इट्स वेन वी आर नॉट ग्रेटेड ग्रेटफुल हो हो गया. गया? So, तो क्या मीनिंग मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा वो जो हेल्प मुझे मिला है मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ यानी मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा यानी कि इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स को बता रहे हो मुझे इसका कोई फायदा नहीं है मुझे इस चीज से मतलब नहीं है क्योंकि ये मुझे कुछ फायदा नहीं है तो आगे आपको इस टाइप के फायदे यूनिवर्सल इट अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशन बिकॉज इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस मीनिंग अलग हो गया कॉन्शियसली आप बोल रहे हो दैट हेल्प इज गुड फॉर मी संबड़ी के मैन हेल्प मी ठीक है इट्स गुड बट ग्रेटिट्यूड नहीं है तो अंदर से बोल रहा है मैं वैल्यू नहीं कर रहा इस चीज को हाँ मिल गया मिल गया तो आई हैव नो वैल्यू फॉर इट वेन यू हैव नो वैल्यू फॉर इट उसके जो रेसिप्रोकल एनर्जीज है या मोर ऑफ दैट सब्सटेंस विल नॉट कम टू यू

मैंने कितने बड़े-बड़े लोगों को देखा है जो अपने ड्राइवर को तक थैंक करते हैं बड़प्पन पोजीशन से नहीं आता आचरण से आता है तो आई फील वेरी नाइस लुकिंग एट देम मेरे फ्रेंड्स ही है जब कभी-कभी मैं जाता हूं सिलदास भाई है चेन्नई जब भी जाता हूं तो गाड़ी भेज देते हैं एयरपोर्ट में एंड ड्राइवर कम्स जेंटलमैन मैं सोचता हूँ ये ड्राइवर है या इनका फैमिली है बिकॉज like और वो जब भी आते हैं अब दूसरा भाव ये हो सकता है मैं तो पगड़ देता हूँ उसको पेमेंट देता हूँ सैलरी देता हूँ उसका अपना काम कर रहा है मैं सैलरी दे रहा हूँ वो अपना काम कर रहा है दूसरा ये भाव है क्योंकि साधक है सीख है दूसरा ये भाव है कि वो तो समझ रहा है अपने को सुपात्र कि मेरी वजह से मैं किसी को काम दे पा रहा हूं वो धन्यवाद कर रहा है सीधा भाव इसको डिफरेंट कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी जिसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूं एंड आई एम डूइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल बाय सर्विंग पीपल हु तो वो भाव जब आएगा ग्रेटिट्यूड रहेगा उसकी तरफ क्योंकि वो फिर उसको गुलाम नहीं समझेगा

बिकॉज वो साइमल्टेनियस है जिसका वो एक्सपांडेड है वही ग्रेटिट्यूड कर सकता है या जो ग्रेटिट्यूड है उसका ही एक्सपांड हो सकता है दूसरा नेक्स्ट दूसरा नहीं तो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एक है विजुअलाइजेशन और मैंने बताया आपको विजुअलाइजेशन के साथ आप एफर्मेशन भी ऐड कर सकते हो सॉरी वो भी एक क्रिएटिव वे ऑफ एफर्मिंग है कि आई एम हेल्दी आई एम पॉजिटिव आई एम हैप्पी आई एम पीसफुल आई एम सक्सेसफुल वो जो भी है एफरमेशन यू कैन है वो सब क्रिएटिव इसमें आता है क्रिएटिव माइंड विजुअलाइजेशन एफरमेशन सब उसमें आ गया यू कैन डू दैट जिसका क्रिएटिविटी अच्छा है वो बहुत अच्छा अच्छा एफरमेशन बनाएगा अपने लिए स्पेशलाइज्ड और कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और खुद बनाएगा अपने लाइफ में कैसा चाहिए उस टाइप का वर्ड्स लग के अर देन ही विल start creating on that. Next is again very important is the shower. जो हम shower लेते हैं सुबह तो लेते हैं ठीक है but if you feel drained out और आपको एक energy boost चाहिए तो taking a quick shower can give you boost. Hot water नहीं cold water से या lukewarm से बहुत हल्का कोमट जो पानी होता है उससे एकदम भी ठंडा नहीं तो क्योंकि गर्म पानी से अलग होता है इफेक्ट और ठंडे पानी से अलग होता है गर्म पानी से आपको तमोगुण बढ़ता है। यू स्टार्ट फीलिंग तो अब ना क्या होगे, आपको ऐसा मन करेगा कि मैं सो जाऊं और पूरा दिन एक सुस्ती टाइप का रहेगा बिकॉजनस आपके बॉडी को वार्म करती है लेकिन अगर आप कोल्ड वाटर लोगे वो आपके सेंसेस को थोड़ा जागृत कर देगा इट विल कीप यू अवेक एंड 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 अलर्ट फ्रेश एक्साइटेड नो ऑन द टोस उस टाइप का तो हॉट और कोल्ड वाटर का वो होता है डिपेंड करता है हाउ योर बॉडी सूदिंग बट इन श्योर नहीं तो गर्म पानी से भी अगर आप वो कर रहे दैट्स फाइन यू कैन डू दैट बट देर आर मेनी वेज अगेन Two, मैंने एक गंगा वाटर के बारे में आपको बताया था उसी को गंगा पानी जैसे आप इन्वोक करके उस पानी को उस पानी का क्वालिटी को आप गंगा जैसे बना सकते हो ये आपका पावर ऑफ माइंड पे है कितना आप करते हो आपको लगेगा बकवास है मेरा सोचने से थोड़ी वो गंगा पानी हो जाएगा आपको यकीन नहीं आता तो आप लेके जाके चेक कर लो उसका क्वालिटी ऑफ वाटर थोड़ा देर क्योंकि सीकर जो है जो मेडिटेट करते हैं उनका माइंड मेंटल पावर इज वेरी पावरफुल एनर्जीज हमेशा एडमिट करते रहते हैं हर चीज में जहाँ वो सोच रहे जहाँ वो अपना अवेयरनेस डाल रहे हैं वहां पे एनर्जी जा रही है तो दे कैन एनी टाइम लुक एट समथिंग एंड कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ द और सबसे तुरंत जो जड़ है वो जल्दी चेंज नहीं होता हार्ड प्रॉपर्टीज जो फ्लेक्सिबल है मोस्ट फ्लेक्सिबल इज वाटर वो अपना क्वालिटी आपके बाहर के एनर्जीज के हिसाब से चेंज कर सकता है तो क्वालिटी ऑफ वॉटर कैन चेंज वो जैपनीज साइंटिस्ट ने करके दिखाया था इसको पानी लेके उसने गंदे गंदे शब्द बोले तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसका कॉन्फिग्रेशन उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर देखा वो काफी भयानक टाइप के और डिस्टॉर्टेड थे डिस्टॉर्टेड उसी पानी को वो लेके प्रेयर बोले चैंट बोले बड़े प्यार से बात किए अच्छे शब्द बोले तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होके बड़ा क्रिस्टल लाइन वेरी ब्यूटिफुल्सागोनल वैसे, वैसे शेप्स आने शुरू हो गए ऑक्टागोनल ये आप गूगल करके देख सकते हो जैपनीज साइंटिस्ट डालो आई डोंट नो इज ने साइंटिस्ट एंड वाटर बस उतना ही डाल दो आ जाएगा हाउ ये एक्सपेरिमेंट किया गया अंडर माइक्रोस्कोप लाइव एक्सपेरिमेंट तो दिस की आप जिस चीज को भी देख के वो तो एक साइंटिस्ट है नॉर्मल पर्सन बट आप तो सीख है मोर पावरफुल तो मेंटल पावर से आप अगर देखोगे उस पानी को एंड इफ यू जस्ट विजुअलाइज इट एंड यूज योर संकल्प एंड से इनवोक दिस गंगा इट एंड मेक दिस गंगा वाटर द प्रॉपर्टी ऑफ द वॉटर स्टार्ट चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ इंटेंसली ऑर डूइंग तो आप सोचो वो पानी जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो उसका क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो और उसी से स्नान कर सकते हो यानी कि so, you know, गंगा स्नान एज गुड गुड एज 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 गंगा स्नान आई गेटिंग इट सो यानी कि वो यू नो गंगा इज प्यूरिफाइंग तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल प्यूरिफिकेशन एंड प्राणिक प्राणिक बॉडी का जो प्योरिफिकेशन है वो भी होना शुरू होता है पानी से भाव से आपने उसको चेंज किया इसलिए बोलते हैं मंत्र महेश्वर में गुरुदेव बोलते हैं कि योर बॉडी इज सेवेंटी परसेंट वाटर बी वेरी केयरफुल जो आप सोच रहे हो जो आप थॉट्स कर रहे हो ये पानी है लिक्विड है ब्लड एंड फ्लूड्स तो ये हर बार सुन रहा है आपकी बातों को आपके थॉट्स को आपके फीलिंग्स को उसके हिसाब से इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है हेल्थ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका बिकॉज आप सोचो भाई मुख्य हो के आप एक कटोरा भर पानी या बकेट भर का पानी का कॉन्फिग्रेशन आप चेंज कर सकते हो क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो और ये जो आपके साथ है हमेशा कनेक्टेड जिसको हम लेके घूमते हैं और सारे तरंगे आप यहाँ बुझ बोलो सारे आपकी बॉडी में वाइब्रेट करते हैं वो उसको ट्वेंटी फोर बाय सेवन या जब भी आपके जागृत टाइम है उसको सुन रहा है इमेजिन द सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता रहेगा उसमें ऑल द टाइम चेंजिंग एवरी मोमेंट सो उसके हिसाब सेल्युलर चेंज हो गया तो प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से हेल्थ और डिजीज विल सेटिंग दैट इज ऑल्सो अ हीलिंग प्रॉपर्टी इफ यू कैन नो हाउ टू यूज गुड वाइब्स गुड वर्ड्स मंत्र इस तरह के जो चैंड है ये आप करो आपके वॉटर बॉडी पर इफेक्ट करेगा तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट है तो शावर कैन मेक यू वेरी रिफ्रेशिंग आप कितना भी स्लॉगी फॉगी फील कर रहे हो स्लोपी आप जाओ एक कोल्ड शावर ले लो तुरंत फाइव मिनट्स में फाइव मिनट ज्यादा भी नहीं पांच मिनट डाल के वापस आ जाओ यू आर एज गुड एज फ्रेश इन द मॉर्निंग सुबह कैसा लगता so see, है ऐसा ठीक है दिस इज वन थिंग इफ यू सी ज्यादा नेगेटिविटी है बॉडी के अंदर या आपके कोई भी नेगेटिव टाइप ऑफ एनर्जीज और नेगेटिव काइंड ऑफ क्लटर और अनवांटेड स्टिकी फीलिंग्स और ये सब आ रही हैं। तो यू कैन वो पानी को यू कैन यूज एसेंस ऑयल्स जो बेदिंग के लिए मिलते हैं स्पेशली नहीं है तो मोस्ट सिंपलर एंड पावरफुल इज एप्सम सॉल्ट और रॉक सॉल्ट कड़ा नमक बोलते हैं ना उसको वॉट इज एट कॉल रॉक सॉल्ट वो आप डाल सकते हो उसके अंदर जो कड़ी नमक होती है ना समुद्र से जो डायरेक्ट आता है जिसमें वो आयोडिन वगैरह मिक्स कुछ नहीं होता ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया जाता उसमें वेरी प्योर या डॉक्टर इमोटिव साइंटिस्ट वो हल्का सा आप डाल के कर सकते हो क्योंकि रॉक सॉल्ट कम्स फ्रॉम समुद्र समुद्र का पानी इज वेरी पावरफुल फॉर नेगेटिविटी क्लेंसिंग तो जब भी हम समुद्र तट पर जाते थे नहाए या ना ही नहाए लेकिन पाँव तो डुबाते थे, थे हम लोग साधना है मैं जितना हो सकता था उतना पांव डुबा के रखे मंत्र जाप करो या फिर सजग हो जाओ व्हेन यू बिकम सजग इमीडिएटली ऑल योर कोशस बिकम एक्टिव और नीचे है तत्व जल तत्व जो है समुद्र का खारा पानी सॉल्टी वाटर उससे पावरफुल पानी में कुछ नहीं है और जो क्लीन कर सकता है नेगेटिविटी वो सोख लेता है इट पुल्स ऑल द नेगेटिविटी थ्रू योर लेग्स तो इसके लिए उसका नमक जो बनता है खड़ा नमक वो अगर आप पानी में डाल के उतना ज्यादा नहीं डाल सकते हैं बेस्ट इज अगर आप पैर डुबो के भी रखोगे उसमें इफ यू आर सेंसिंग सम नेगेटिव काइंड ऑफ स्टफ टू मच नेगेटिव क्लटर एंड ऑल दैट कभी कभी आवाज होता है ऐसे कुछ हुआ तो फिर आप एक छोटा वेसल लेके उसके अंदर पानी भर के उसमें रॉक सॉल्ट डाल दो मिला उसको उसको खरा कर दो और फिर अपने दोनों पैर उसमें डुबा के सिर्फ लोअर लेग्स डुबो के आराम तो से सिट तैर एंड जस्ट डू सम विजुअलाइजेशन कि वो पुल कर नेगेटिविटी विल जस्ट क्लीन फ्रॉम योर ऑरा इट क्लींस योर ऑरा इट तो वो भी पानी का है तो बेदिंग में यूज कर सकते हैं या बेदिंग से पहले इसको यूज कर सकते हैं कई कई तरीके अपने भाव है कोई कोई गंगा जल यूज करते थे शुद्ध गंगा जल तो वो नाते थे बकेट बर या शावर से और फिर वो एक मग में हाफ मग या छोटा सा मग में वन फोर्थ मग में गंगा जल होता था प्योर तो पहले नहाने के बाद फिर फाइनल टच वो होता था और जब हो रहा है देन भाव वो है कि पूरा पवित्र हो रहा इट वर्क्स ब्रिलियंट ये भी सजगता बढ़ाती है ये इनहैंस करती है शार्पनेस कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करती है समुद्री नमक उसको समुद्री नमक बोलते हैं तो यू कैन यूज समुद्री नमक इवन खाने में अगर आप यूज कर सकते हो। बेस्ट। इट इज नॉट ट्रीटेड केमिकल्स। इट्स नेचुरल। मैंने ये सारे किए हैं मैं जो आपको बता रहा हूं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं दीज आर ऑल माई प्रैक्टिस जो मैं करते आए हैं काफी टाइम से और मुझे काफी इसमें अच्छे लगे चीजें और रिजल्ट आर ओवरवेलमिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ऑल दिस आई कीप डूइंग इवन टूडे ऑल दिस तो उसमें से सुबह बैठ के मैं आई जस्ट थिंकिंग एंड पुटिंग डाउन द पॉइंट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अगेन द जर्नल जर्नल आपने लिखा है तो अच्छा नहीं तो लिख लो अभी आप जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट कीप अ अ अ जर्नल डायरी नोटबुक समथिंग इज ओनली पर्सनलाइज टू यू सिर्फ आपको उसका एक्सेस हुआ और आपके पास होना चाहिए ऑल द टाइम ताकि नाउ इट इज ईजी क्योंकि लॉकडाउन में आप एक ही जगह पे घर के अंदर ही घूम रहे हो बाहर वगैरह जाते हैं तो यू कै नॉट कैरी इट बट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू डू इट एंड उसमें ज़्यादा खतरा भी नहीं है कहीं खोने का या कोई देखने का वगैरह आपके पास आप लेके घूम सकते हो उस चीज को कीप नोटिंग ऑल दीज तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो भी टाइम मिलता है टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ वो एम आई कौन हूं मैं क्या मेरा पर्पस है या मेरा पर्पस अगर मैं जानता हूँ क्या मैं दिशा में जा रहा हूँ कहाँ तक आया सफर क्या चल रहा है इसको सेल्फ कॉन्टेप्लेशन बोलते हैं रिफ्लेक्शन इसमें वो नहीं होता है मांगो मैनिफेस्ट करो क्रिएट करो या डिजायर्स क्या है या फिर वी आर फाइंडिंग आउट सम न्यू थिंग्स या हम ये बात कर रहे हैं कि इनर चाइल्ड में क्या करना है कहाँ क्या पेंडिंग है किसके साथ वो सब नहीं होता वो सब तो आप नॉर्मली दूसरे इसमें करते हो ये मैं एज अ सोल माई जर्नी आया हूँ अभी सुकून से बैठा हूँ जस्ट रिफ्लेक्टिंग कौन हूँ मैं

तो रिफ्लेक्शन वेन यू आर इन साइलेंट मोड एंड सजगता सजगता से करना है इसको मन से नहीं हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ मैं जस्ट दिफ्लेक्शन काफी सारी चीज ऐसे भी आ सकते जो नया है जो आपको कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तुरंत राइट इट द रिफ्लेक्शन इन योर जर्नल ये जर्नल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं रिकॉर्ड करना है उस चीज को या फिर आपको बहुत बाय हार्ट करना है कुछ नहीं है इट इज अ कम्युनिकेशन विथ योर सब कॉन्शियस टू योर कॉन्शियस टू योर हैंड टू योर बुक ये कम्युनिकेशन स्किल है जो आप वहां से उतार के बुक में डाल रहे हो बुक से लेके पढ़ के आंखों से फिर ब्रेन में डाल रहे हो फिर उसको उतार रहे हो यू नो इट्स अ ये प्रोसेस करते करते क्या होता है इट बिकम्स अ पार्ट इट्स इजी मैंने बोला ना शिविर में नोट्स मैंने पहले लेना शुरू कर दिया था तब लोग बोलते थे ये क्या करना है क्या करना है लेकिन मैं जानता हूं मेरे को कितना फायदा हुआ इससे हालांकि मैं बोलूंगा मैं गुरुदेव तक पहुंच भी पाया बिकॉज ऑफ दैट नोट्स अगर मैं नोट्स नहीं करता ये शायद मैं यहाँ भी नहीं बैठा होता सी हाउ स्टेपिंग स्टोन होता है एक हमको पता नहीं चलता किस चीज का क्या वेटेज कब क्या है वो आज जो मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग्स पे वो ये कहाँ से आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्रैक्टिस कैसे आपको बताता हूं शिविर में जब कुछ बोलते थे गुरुदेव तो आई एम लिसनिंग लिसनिंग एंड माइंड इज एंजॉइंग ब्रेन में जा रही है wow. Now, मैं उसको सुन के लिख रहा हूं जैसे लिख रहा हूं दैट इज द सेकेंड इंप्रेशन वही चीज का एक बार आ गया अब दूसरा बार उसको रिपीट कर रहा हूं मैं लिखते वक्त भी सोचना पड़ता है ना वो तो आई एम रिपीटिंग द सेम टीचिंग एंड एट द सेम टाइम सजगता भी है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि वो रुकेंगे मेरे लिए लिखने के लिए वो बोले जा रहे बोले जा रहे तो एक सजगता वो भी है लाइक द चेस गेम कि मैं लिख रहा हूं ये टीचिंग है माइंड कर रहा है लेकिन सजगता वहां पे भी है वो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आई गेटिंग इट तो दैट बिकॉज इट्स वेरी वेरी फास्ट फास्ट यू टू राइट तो ऑल द टाइम आई एम राइटिंग 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 वो राइटिंग वो वाला नहीं है लॉजिक राइटिंग इट इज दैट सजगता वाला तो वो सेकेंड एंट्री हो गया और उसके बाद मैंने रख दिया उसको फिर जब मैं लौटता था घर आके उसको खोल के जब पढ़ता हूँ तो इट इज लाइक थर्ड टाइम आई एम माई ब्रेन इज रिमेम्बरिंग द सेम अब तक तो सब में है लेकिन उसको बाहर आ गया तो पूरा दो बार का एक्सपीरियंस जो है वो रिलीव हो गया थर्ड जस्ट रीडिंग में तो रीडिंग के बाद मैं उसको वापस कंप्यूटर पे टाइप कर रहा आई गेटिंग इट तो फोर्थ टाइम रजिस्टर हो रहा है मेरे ब्रेन में क्योंकि टाइप करते वक्त भी आपको स्पेलिंग वेलिंग ग्रामर वो ये फील करना है तो आई एम फीलिंग थिंकिंग अगेन फोर्थ और पूरा टाइप करके पब्लिश किया नहीं किया जो भी है उसको अगर प्रूफ रीड करना है करेक्ट है कि नहीं ग्रामर वामर तो एक बार और पढ़ना पड़ता है ऐसे करके फाइव टू सिक्स टाइम्स एक टीचिंग पर दोबारा 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 होता था तो इमेजिन हर शिविर में यू आर डूइंग द सेम थिंग और उनका जो टीचिंग्स है वो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अलग होता है एक बेसिक थर्टी थर्टी टू फोर्टी परसेंट इज द सेम थिंग वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो सेम टीचिंग्स का हर बार डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप में सेम प्रोसेस पांच छह बार इट इज गेटिंग रजिस्टर्ड इन योर इसलिए मैं जर्नलिंग का भी बात करता हूँ जर्नलिंग वेन यू डू राइली राइटिंग इट इज अंट्रैक्शन आपने लिख लिया पॉइंट्स कल या परसों या नेक्स्ट वीक आप देख रहे हो उसको फिर आप रिवाइज करने की कुछ कोशिश को फिर आप पढ़ रहे हो देन अगेन वो सजग हो गया आपके इसमें आ गया वापस फिर उसको दूसरे पेज में कहीं और दूसरा प्लान करके आप लिख रहे हो फिर वो रिपीट हो गया ऐसे दो तीन दो तीन दो तीन करते करते इट गैट रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस ये पूरा आप जो कर रहे हो साधना सो जर्नलिंग हेल्प्स और जर्नलिंग के साथ यू कैन राइट सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग तो लिखो ही आपने पहले लिखा तो है तो ठीक है एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन आप लिखो सेल्फ रिफ्लेक्शन में कुछ भी हो गया पहले तो ये हो गया आपका ये क्या है kind of एक तो a, दूसरा कैसे थॉट है जो मुझे ड्रेन कर रहे हैं जो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो कुछ सेशन आप ऐसे ही बैठ के सोच रहे हो सजग होते ही वो एक एक, एक करके आना शुरू हो जाएगा जो आपको डैमेज कर रहा है यू राइट डाउन सर्टन हिंट ये जरूरी नहीं कि आपको बैठ के ना वो पढ़ के उस पर साधना करके उसको निकालना मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ भी बैठ के नेगेटिव पर कोई फोकस नहीं है नेगेटिव पे ओनली पुट द लाइट एक्नोलेज द लाइट पर काम कुछ नहीं करना है आप समझे ना काफी सारे लोग बोलते हैं उसको हटाना है कुछ नहीं है द सजगता इज सो पावरफुल कि जैसे ही आपने लाइट डाला उस पर उसमें आपको कुछ नहीं करना है कुछ आपको पता ही चल गया कि देर इज गड़बड़ काफी है उस पर अमल करने की उसको कुछ करने की जरूरत तो जर्नल क्यों कि वॉट इज दॉट दैट इज ड्रेनिंग मी ये आपको कुछ करना नहीं लेकिन जब आप सोचते हो फिर आप लिखते हो फिर आप रिक्रिएट करते हो उसमें आपको पता चल जाएगा कि दीज 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 आर डैमेजिंग। तो कल आपको अगर बैठ के ध्यान में भी आपको ये करना है आई एम गोइंग टू रिलीज एवरीथिंग, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो ये सब ऑलरेडी फ्लोटिंग यू नो इट विल इन योर सबकॉन्शियस ऊपर तो जैसे आप कमांड भी दोगे माइंड को ये सब तुरंत आ जाएगा ये अगर हैबिट नहीं है जानने की तो फिर आप बैठ सकते blank हो ब्लैंक होके तो एवरीथिंग सजग होना लेके जाते थे साधना में पीक 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 पीक, 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 पीक पॉइंट पे एकदम जो सेचुरेशन पॉइंट है एकदम वहां पे, और उस सडनली वो साधना में एक घंटे बाद दो घंटे बाद सडनली बोलते थे मांगो जो मांगना है तो अभी मांगो इस क्षण में बिकॉज उस टाइम पे इट इज पीक लेवल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे याद ही नहीं हाँ क्या मांगना है क्या मांगना है oh oh वो कुछ क्षण के लिए होता था देन यू विल चेंज फ्रॉम देअ तो मौका गवा दिया मौका क्यों गवाया क्योंकि सजग ही नहीं है हमको क्या चाहिए तुम चाहते क्या हो यह सब चीजें हैं हायर पर्पज क्या है या वॉट आर दीज काइंड ऑफ था विच ड्रेन में तो जर्नलिंग और ये सब इसमें ये हेल्प करता है टू बी अवेयर वॉट इज गुड एंड बैड फॉर मी तो जर्नलिंग लिखो सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखो सेल्फ रिफ्लेक्शन में एक सेल्फ के बारे में हो गया कौन हूं मैं कहाँ जा रहा हूं सब चीजें और दूसरा है ये वाला कौन सी टाइप की थॉट्स मुझे ड्रेन करता है या इफेक्ट कर रहा है दूसरा ये क्लोज टू योर क्रिएटिव ब्रेन का ही है मैं हमेशा बोलता इस चीज को सब कुछ एक ड्रामा है सब कुछ एक प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें हम जी रहे हैं ये बार बार आपके माइंड में इम्प्रिंट करना है आपको नहीं तो वो सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाएगा और हम बिलीव भी नहीं करेंगे उस चीज में देखो अभी भी सब माया है बोले तो हम समझ नहीं पाते कहाँ माया है सब तो इतना रियल लग रहा है अच्छा लग रहा है मस्त लग रहा है यही सत्य लगता है लेकिन है नहीं सत्य माया क्योंकि हमारे वो डेली प्रैक्टिस में नहीं है अवेयरनेस में नहीं है सजगता में नहीं है इसके लिए नहीं होता वो तो सजगता में लाने के लिए ये जो प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस मैं हमेशा बोलता हूँ सब कुछ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर मैंने अपना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट और अगर मैंने स्क्रिप्ट लिखा है ये ड्रामा में थर्ड पॉइंट इज दैट मैं हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए ये तीन चीज़ सजग रहते रहेंगे ऑल द टाइम तो आपको साक्षी भाव होना दृष्टा भाव होना वेरी इजी हो जाएगा एक्सेप्टिंग थिंग्स आराम से हो जाएगा रिएक्शन विल बी वेरी नॉर्मल और फोर आपको हमेशा ये गेम दिखता रहेगा जैसे सडनली अगर किसी ने आपको रियलिटी सुना दिया तो आपको रोना नहीं आ जाएगा जैसे मैंने बोला नर तुम झूठे जन्म गवाया झूठे का कोई अंत ना पाया तो होल लाइफ इज झूठा ये भी झूठा वो भी झूठा ये झूठी वो झूठी देन कबीर दास तो ऐसे जब गाने सुनते नहीं कर सकते इसको क्योंकि ऑलरेडी इतने अटैच है चीजों से सडनली समबड़ी एवरीथिंग इज टेम्पररी तो कैसा लगेगा तो ये अच्छा है या फिर धीरे धीरे सजगता तला के ये प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस का आप सजग होता हो तो नेक्स्ट टाइम कोई आके ऐसे हिलाएगा हिलोगे नहीं बोलोगे पता है मुझे ब्रेन इंटेलेक्चुअल पता नहीं है ज्ञान से नहीं एक्सपीरियंस से मुझे पता है तो जब एक्सपीरियंस से पता होता है तो यू नॉट रिएक्ट तो ये प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस सीन एवरीथिंग ऑल द टाइम ये क्रिएटिव आपका जो विजुअलाइजेशन मैं बोला उसमें आप देख सकते हो हर चीज में ब्यूटी देखने की जो बात की ये पॉइंट वहां होना चाहिए था यू कैन ऐड देयर हर चीज में जो क्रिएटिव ब्रेन देख रहा है ब्यूटी देख रहा है हर चीज में तो वहां पे यू कैन ऑलवेज सी द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस विद द ब्यूटी इट्स सेल्फ लाइक यू आर सींग अ फ्लावर तो आप उसमें ये जोड़ के आइडिया बना सकते हो कि हाउ ब्यूटीफुल इतना फूल है इस माया नगरी में इस माया जगत में एक और माया जो इतना सुंदर है सी नाउ योर सेपन विल चेंज आप इसको रियलिटी नहीं समझोगे आप इसको एक माया समझोगे माया जगत का एक क्रिएशन है जो ये फूल है जो एक खुद एक माया है बट इट्स स्टिल ब्यूटीफुल तो आप ब्यूटी देख रहे हो माया में समझे आप पहले क्या था इफ यू जस्ट सी फूल एज अ फूल यू यू कैन गेट अटैच टू दैट फूल वेरी मच क्योंकि वो रियल लग रहा है अभी आपका भाव चेंज हो गया अभी आप बोल रहे हो माया नगरी के अंदर से ये माया उत्पन्न हुआ है नया वाला है, और ये फूल है लेकिन ये माया भी कितना सुंदर है तो यू आर अप्रिशिएटिंग यू आर कनेक्टिंग बट एट द सेम टाइम आपको पता है ये माया है इट इज अ फॉल्स फीलिंग तो आप इससे अटैच नहीं होगे उसी टाइम पे देखो आप सोच के ही देखो मैं जो बोल रहा हूं भाव आप लाके देखो आपको अटैचमेंट फील नहीं होगा वो oh, ब्यूटी के साथ तो यू लुक एट एनी ब्यूटी यू लुक एट एनी ब्यूटी ऑन द रोड और एनी हैंडसम ऑन द रोड तो बोलो वाह लुक एट द्यूटी माया नगरी में एक नया ब्यूटी इस माया नगरी ने क्रिएट किया है अनदर माया लेकिन जो इतना ब्यूटीफुल है देखो आपको अटैचमेंट नहीं होगा क्योंकि वो परसेप्शन ही आपका ऐसा है भाव ही ऐसा है तो ब्यूटी और एडमायरिंग uh, वो टेंडेंसी कुछ भी हो वासना हो कुछ भी हो जाएगा वो ठीक है, बट उसको हम दबा के नहीं रख सकते बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस एज अ वासना तो वो अगर वासना भी ऐसे दिख रही है कुछ तो यू एडमायर इट वाह वट सुंदर कन्या गोइंग दैट अ प्रोडक्ट ऑफ इल्यूजन ये इल्यूजन है ये प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक और प्ले व्हिच इज सो ब्यूटीफुल बट तो वो टेंडेंसी वासना का कम हो जाएगा बिकॉज़ समवेयर दैट अंदर से एक सोल आपका बोल रहा है ये टेंपरेरी स्टफ है तो कोई भी कोई भी चीज आप देखो हैंडसम बॉय जा रहा है लुक एट दैट हैंडसम मैन दैट बॉय माया नगरी में एक और हैंडसम सा माया सो नाइस हैंडसम है So you will not get attracted to it fully. No, not attachment. Same way if you can do it in the family, do it. Nothing more I can tell you. I can tell Maya me. wow. My child, which is another product of this maya, but yet so beautiful child. A gift of God. A gift of God's play of consciousness. गिफ्ट ऑफ गॉड्स प्ले ऑफ इल्यूशन उनकी माया नगरी का एक और मायाप्शन नाउ विद चाइल्ड इट अगेन लविंग बिकॉज आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो आपके लाइफ में वो मिस नहीं होगा तो वो भी आ गया अंदर से एक डिटैचमेंट भी आ गया एंड देन इट्सेंट हाफ यू डू दैट विथ एवरी फैमिली में तो वेन यू से इट्स माया यू आर इनडायरेक्टली परमेंट इट्स अ परमानेंट थिंग एक टेम्पररी खेल है तो इस भाव से जब हम देखते रहेंगे डिटैचमेंट डिटेचमेंट बिकमिंग इजी देखो मल्टीपल थिंग काम कर रहे क्योंकि आपका दृष्टा आपका भाव अलग हो गया जैसे ही भाव अलग हो गया सजग हो गया एंड यू आर लुकिंग बिकॉज आप मन से नहीं बोल सकते हो आओ आप 3D लेवल से नहीं बोल सकते वाह उस कन्या को देखो उस लड़के को देखो जो माया में है वो फीक का वर्ड्स रहेगा कोई दम नहीं रहेगा लेकिन व्हेन यू से वह उस माया का क्रिएशन के अंदर एक और माया है विद दैट भाव आप सजगता से बोल रहे हो उसको तो दैट इज द रियलिस्टिक एक्सपीरियंस व्हिच विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस ऑफ डिटैचमेंट थिन लाइन है क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैंने कोशिश किया नहीं हो वो आप मन से बोल रहे हो मन यानी वासना तो पूरा वासना से ग्रसित होकर सिर्फ बोल रहा है तोते जैसा माया वर्ड इज माया बट वासना से वो उसको देख रहे हैं वासना एंजॉय कर रहा है उसके अंदर से सेम वे बच्चों को देख रहे हैं बीवी को देख रहे हैं पति को देख रहे हैं घर वालों को देख रहे हैं तो एक वासना ऑफ अटैचमेंट है बिलोंगिंगनेस है बोलने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन अटैचमेंट बात कर रही है वही सजग हो कि उसको देखो उस फैमिली रोल को एंड देन से दिस से नहीं फील करना आपको यानी लोग क्या करेंगे पता नहीं आप बीवी के सामने वाह माया एंड देन पढ़ेगी बच्चे को बोलोगे तो माँ बाप से पढ़ेगा या बीवी से पढ़ेगी या फिर पति से पढ़ेगा जो भी है सो डू इट इन द माइंड पता भी नहीं होना चाहिए किसको क्या हो रहा है दिस इज लिव्स इन वर्ल्ड लाइक अ लोटस गुरुदेव क्या बोलते थे जीना है कमल के जैसे जियो कमल के जैसे यानी कोई कीचड़ भी पड़ा कुछ भी पड़ा इफेक्ट ही नहीं करेगा उसमें टिकेगा ही नहीं अटैचमेंट नहीं है डिटेच लेकिन वो है पानी के अंदर या किचड़ के अंदर जहां भी है कीचड़ मींस the maya the delusions play of consciousness usko kichad bolte hain uske andar kamal ke jaisa khada hai unaffected to ye is bhav se you can keep on changing it many times क्या हिंदी में हिंदी में बोल रहे हैं मैंने एक शब्द कहीं तो एक sentence मैंने कहीं English में बोला मैं यहाँ पूरा जो बता रहा हूँ आपको भाव के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ वेस्टर्न कल्चर के लोग जो है फॉरनर्स यहाँ के पूरा हिंदी में सुन के वो बोलते हर अक्षर समझ में है और मैंने एक सेंटेंस क्या इंग्लिश में बोल दिया ये पूरा हिंदी में बोल रहा हूं एक सेंटेंस कहीं यहां वहां बोल दिया है। तो हिंदी में चेंज योर परसेप्शन माई डियर वंस चेंज योर परसेप्शंस हर चीज को हम बाहर से बदल नहीं सकते हमारे कंफर्ट के लिए वी हैव टू लर्न टू अडेप्ट सिचुएशन एक बड़ा टीचिंग है गुरुदेव से यानी कि जैसा सिचुएशन है मैं वहां पे मोल्ड हो जाऊं ऐसा नहीं कि मैं जैसा हूं मैं ऐसा हूं सारे सिचुएशन को मैं बदल के रखूंगा मेरे हिसाब से yeah, so, telling everyone, not to one person, ये वन नॉट टू वन पर्सन क्योंकि बार बार होता ही है बट इट विल गिव यू अर्निंग इट विल गिव अट अंडरस्टैंडिंग एक योग ही वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करता है उसको बस में गया धक्का मिला नीचे बैठना पड़ा ऊपर बैठना पड़ा ये वो ग्रम्बल नहीं करता वो कहीं घूमने गए हम लोग ट्रैवल करते ना ट्रैवलर्स मुसाफिर हम सब मुसाफिर है हम जगहों पर जाते हैं आप धरती पर जा रहे हो एक पूरा जिंदगी में लाइफ जर्नी तो जहाँ भी हम ट्रेवल करते थे कुछ मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला टू दैट एक जगह में हम जाते थे साउथ इंडिया में गए वहां जाके नॉर्थ इंडियन ढूंढते थे अरे नॉर्थ इंडियन दे दो नॉर्थ इंडियन दे दो यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट नहीं है भाई साउथ इंडियन है जब नॉर्थ में जाओगे तो यू खान ग्रम्बल देर मैंने ग्रम्बल नहीं किया आई वॉज फैर आई वॉस लॉन्गिंग फॉर साउथ इंडियन बट आई हैव टू अडोप्ट तो जहां जा रहे हो अडेप्टेबिलिटी है यू हैव टू कीप ऑन योरसेल्फ हर चीज में तो ये उसमें क्या होता है मैनी ये ये जो भाव है ऑफ लूजिंग समथिंग और फीलिंग कंप्लेनिंग द कंप्लेनिंग मोड भी चला जाता है कोई कंप्लेन सी नहीं है आप देखो जो मिला जैसे हर हाल में खुशी जिस विधि राके उस विधि रही है. तेरी रजा में मेरी रजा ये सब आ गया तीनों टीचिंग गुरुदेव का ही है ये सब आ गया इसमें कंप्लेंट का सवाल ही नहीं है जो दे दो दे दो जो मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला आस्ते का पालन होता है ऑटोमेटिकली इस इस भाव से मतलब विच इज समी एल्स विल नॉट कम टू मी ये सब कनेक्टेड है डीप कनेक्शन है इसमें सो दीज आर गुड प्रैक्टिस जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हर जगह में हर इसको चेंज करना बिकॉज ये ऐसे ही होता है, कंट्रीज, कम्युनिटीज, हैडी ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं तुम चेंज हो जाओ बायप्ट वेन यू अडेप्ट एक्सेप्टेंस आ गया अदरवाइज एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं तो ये सब अच्छा है आप लोग कुछ भी बोल रहे हो तो उसमें एक मैं बोला ना आई सीक रीजन कुछ ढूंढ के उसमें से भी एक लेसन उसमें से भी एक बड़ा टॉपिक बना के वी लर्न माया नगरी में ये सब जो सुंदर है ये सब माया है वाह I blend, I blend with everything. कुछ बोलते साउंड नहीं आ रहा कुछ बोले जोर से बोलो कुछ बोले ये करो और कुछ बोलते है कि चल जाएगा हेडसेट पहन लो यार चुपचाप हेडसेट टेंशन ही नहीं है एयरफोन पहन लो कम सुनाई दे रहा है तो उसको बेचारा बैठ के वो बेचारा बोल रहा हूँ थोड़ा मस्का मारने दो ना खुद को वो बेचारा बैठ के वहां पे छह घंटा भौक रहा है तो उसको भी थोड़ा शांति दो उसको जैसा करना है उसको करना है तो वो कितना और जोर से भौकेगा तो ये थोड़ा दर, दया करुणा आया तो आप बोलोगे चलो यार छोड़ो फेंट लेता हूँ बेचारा जो कर रहे तो करने बेचारा बोल रहा हूँ अच्छा ही है करुणा का भाव तो आ गया ना दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग समबड़ी एल्स फीलिंग्स तो दिस वे करुणा का भाग भी जग गया अंडरस्टैंडिंग <laughs> आ गया एक कंपैशन आ गया या yeah, ये खासकर वो लोग होते हैं नॉर्मली मैनी पीपल कम ये कुछ लोग होते हैं सुबह शाम तक दे आर देर कितने भी घंटे हम स्पेंड कर रहे हैं वी आर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड शेयरिंग एंड ऑल सब कुछ विजिटर्स होते हैं दे जंप इन और देखते हैं ये आवाज़ क्यों नहीं आ रहा यार, ए, 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 है यार ये ये थोड़ा आवाज़ ठीक करो आवाज़ थोड़ा ऊपर करो ये सुनाई नहीं दे रहा हाँ 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 ये ठीक है ये क्या बोल रहे हो यार हिंदी में बोलो ना यार कोई बोलेगा अरे थोड़ा इंग्लिश में बोलो ना तो सुनेगा 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 हा रुक मैं आया फेंकेगा गया गेटिंग इट <laughs> <laughs> तो दोज वर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस उनकी सजगता अलग है उनका परसेप्शन ऑफ चीजें अलग है उनका भाव अलग है एंड दिस इज हाउ वी स्लोली सिंक इन टू स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी नहीं तो आओ नेक्स्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग रिमेंबर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग आपको यही बोला था थिंकिंग टू फीलिंग बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग सोचना नहीं है करना नहीं है फील तो ये फील का भाव भी आपको हमेशा यू हैव टू फील जब भी सोचने पर कुछ मजबूर है करने पर कुछ मजबूर है देखो आप कितना चीज फीलिंग से कर सकते हो हाँ अगर आपके घर पे बोले कि एक पैकेट दूध ले आओ वो आप फीलिंग से नहीं कर सकते वो मैं जानता हूं समझे ना मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं बाकी एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करना जो भी फीलिंग से आपको करनी है जो भी आप कर सकते हो जो आप थॉट से करते हो सोच के जितना भी करते हो चीजें उसको आप देखो कितना आप फील करके कर सकते हो जब भी मैं बात कर रहा हूं मुझे सुनो मत फील माई वर्ड्स देर इज अ डिफरेंट इफेक्ट फॉर इट जब भी आप गुरुदेव की वीडियोज देखते हो फील जब भी आप एनी एंटरटेनिंग और स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग चीजें सुनते हो फील द वर्ड्स इसमें वेन यू गेट इन द मोड ऑफ फीलिंग 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 योर इंट्यूशन स्टार्ट्स डेवलपिंग फिर आपको फीलिंग से ही सब पता चल जाता है गेटिंग इट मैं कभी कभी बोलता हूं ना वाइब्रेशन से ही पता चल जा रहा है कि क्या है बीज मंत्र को कैसे फील करना है ये मंत्र महेश्वर आप सीढ़ी देख लो उसको वेलकम टू नो हाउ इट इज मंत्र को फील करना है अगर मेरे आवाज को फील करो सुनो मत बोल रहा हूं सेम आपको मंत्र को भी वही करना है आवाज मत सुनो उस ध्वनि को फील करो सेम सभ्यता आर परसेप्शन इज आर रियलिटी

पूरा भी नहीं पढ़ पाया हैबिट ऑफ़ एवर इट मन मन में तो करो कमेंट में भी नहीं डाला इट विल हेल्प यू ओनली फीलिंग मीन इन्वॉल्विंग इमोशंस आप प्रत्युष जी मेरे ख्याल से आप कितने टाइम से ये सब सुन रहे हो जान रहे हो अभी आप बोल रहे हो फीलिंग विद इमोशंस आप कैसे फील कर सकते हो बताओ हाउ कैन यू फील वॉट यू सी नाउ देयर आर टू फोटोज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और भगवान नित्यानंद ऊपर इनको देखो मत इनको फील करो देखते ही फील करो देखो उनको लेकिन देखो मत सी गो वेरी डीप ऑन व्हाट आई एम सेइंग सजग रहो आपको समझ में आएगा आपका अंतर्मन आपको बताएगा क्या करना है फोटो है ऊपर मेरे सर के ऊपर दो फोटोज है जो भी अच्छा लगे दोनों अच्छा लगे दोनों नहीं तो अभी भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है ये क्रिश्चियन है ये कोई और है तो उसमें से जो आपका फेवरेट रिलीजन वाला है उनको चुन लेना और उससे कनेक्ट हो जाओ कनेक्ट कैसे होना है देखो उनको लेकिन मन से मत देखो फीलिंग से देखो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बट इजी जैसे गुरुदेव ने मुझे बताया दिल से सोचो दिल से कैसे सोच सकते हैं मन से सोचा जाता है लेकिन दिल से सोचो सेम वे लोकेट एनी ऑफ दीज पीपुल पर्सन एंड उनको आंखों से फील करो आंखों से देखो नहीं आंखों से फील करो इमोशन विमोशन माइंड वाइंड इंटलेक्ट कुछ संबंध ही नहीं आएगा उसमें फीलिंग इज अ क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस अनाथ ओपन बाय जस्ट लुकिंग एट देम बोथ क्योंकि आप दूसरे दृष्टि से देख रहे हो उनको सबका अनाथ नहीं खुलता है इनको देखा तो वेन हियर यू डोंट कम टू नो वेन आईज गेट क्लोज्ड एंड फील वेरी गुड वेन कम आउट वो दैट इज बिकॉज यू आर नॉट हियरिंग मी यू आर फीलिंग मी एंड फीलिंग मी इन द सेंस इट इज नॉट इन द थ्री डी थर्ड डायमेंशनल वो कोई अलग मीनिंग बनता उसका फीलिंग मी इन द सेंस फीलिंग द कॉन्शियसनेस जिस कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्टेड हूं इस टाइम पे यू आर फीलिंग दैट कॉन्शियसनेस एंड दैट इज वाई दैट इज अफेक्टिंग यू इन दैट मैनर सिंपल सो जिस कॉन्शियसनेस स्टेट्स में दे आर वाइब्रेटिंग वेन यू सी दैम फील देम बाई सी यू आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू देयर कॉन्शियसनेस नॉट चित्र चित्र आंख देख रहा है, जो एक टूल है माध्यम है लेकिन देखते ही आपको प्रवोक कर रहा है उस तत्व के साथ जुड़ने का महाकाली का मूर्ति है विग्रह है विग्रह को आप देख रहे हो वो विग्रह वो पत्थर से आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो वो पत्थर के जो कॉन्शियसनेस है उससे कनेक्ट होते हो वो पत्थर को आंख देख रहा है वो पत्थर में कुछ नहीं है लेकिन वो देखते ही जो भाव जागृत होता है एंड सजगता जो एक्सपांड होती है वो उनके कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ता है देन यू गेट दैट दिस इज अ परफेक्ट वे टू डू साधना गुरु मूर्ति हो या इष्ट मूर्ति हो या किसी का भी चित्र हो यू कैन डू दैट डोंट डू इट ऑन ह्यूमन बींग्स वही मैं बोल रहा हूं नाउ एज अ ट्रेनिंग प्रोसेस आई एम टेलिंग यू फील वॉट आई से आर ऑल ट्रेनिंग बट मैं साथ ही साथ मेडिटेशन के वक्त हमेशा आपको बोलता हूँ कनेक्ट टू योर गुरु तत्व कनेक्टेड टू योर गुरु मंडल तत्व इफ यू कनेक्ट टू मी यू विल नॉट गेट इट्स अ तत्व टू दैट टू दैट दिस इज नथिंग पीनट्स तो दैट इज समथिंग तो एज अ मैटर अगर ये वाणी से आपको बेनिफिट करना है अंदर सजगता हानी है दैट इज ओनली रीजन आई एम सेइंग दिस अदरवाइज नेवर नेवर कनेक्ट With anybody especially meditation meditation no connections when you're sitting silently no connections yada no connections not required are you getting it it's not required at all this is a practice session Ebola practice 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 once when you get it how to do it then you go your way doing it then no more feeling my voice stuff. तो काफी लोग ये बोलते हैं सुनते सुनते द कॉन्शियसनेस का इफेक्ट यू गो इन टू दैट स्टेट क्यों मन शांत हो गया मैं आपको एक्सप्लेन किया वॉट इज अ फेनोमिना वेन यू आर लिसनिंग टू दैट आपका सजगता बढ़ती गई सजगता जैसे ही बढ़ी मन उसके अंदर जो है शांत हो गया इट ड्रॉप्ड मन शांत हो गया तो थॉट्स नहीं है थॉट्स नहीं है तो एक्टिविटी नहीं है एंड बॉडी स्थिर हो गया आप देखोगे ज्यादा हिलता नहीं है सजग जो आदमी है वो हिलेगा नहीं वो स्थिर रहेगा सुन रहा है देख रहा है जो भी है तो बॉडी भी हिलना बंद हो गया तो इंद्रियां भी गिर गए क्योंकि मन गिरा तो इंद्रियां भी गिर गया तो ये सारे गिर गए एंड सडनली एवरीथिंग गेट्स रिलैक्स द माइंड एंड बॉडी गेट्स रिलैक्स रिलैक्स होते ही स्टेट ऑफ नथिंग हाउ इट वर्क द फेनोमिना ठीक है ना तो शिफ्ट ऑलवेज फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग मैं जब भी आप सोच रहे हो और सजग हो जा रहे हो कि सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ ये सोच रहा हूँ ये सोच रहा हूँ ये सोच रहा हूँ ये सोच रहा हूँ आप बोलते हो ना कि सोच ही बंद नहीं हो रहा मेरा क्योंकि आप ये प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो सोच बहुत है सोच बहुत है सोच बहुत है थॉट्स आर मोर बिकॉज यू आर इन थ्री थर्ड डायमेंशन तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछोगे मुझे कि थॉट सारा क्या करना है ये आंसर गुंजे आपके अंदर ये आंसर गुंजे कि थॉट्स तब आते हैं जब आप ज्यादा थर्ड डायमेंशनल होते हो नीचे है मतलब आपका चेतना आपकी सजगता अवेयर नहीं है जागृत नहीं है तो थॉट्स जब ज्यादा हो रहा है आई एम होपिंग दैट ये आवाज आपको गूंजे और बोले रेज योर वाइब्रेशन तो जैसे ही आप सजग हो जाए होट्स इसलिए जस्ट बिकम अवेयर प्रैक्टिस थिंग्स आई टोल्ड यू जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे गिर गया और ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई भी आप प्रैक्टिस करो सजगता से थॉट्स विल गो खाली बैठे हुए जो माइंड है उसको थॉट्स ज्यादा आता है एम्प्टी माइंड इज अ डेबल्स वर्कशॉप इसलिए बोलते हैं तो ये ये जो फीलिंग का है ये करते -करते, होता है मैंने बहुत बार बोला आपको बैठे बैठे प्रैक्टिस बिकम जस्ट सजग ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में सजग हो जाओ दैट्स ऑल फेस के अंदर देख लो हेड के अंदर देख लो हाँ फिर कुछ काम आ गया आपने किया चलो फिर आपने कंटिन्यू किया फिर कहीं जाके बैठे ऐसे बैठे हो योर ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन सजग हो जाओ ऑल दोज प्लेसेस इन साइड आउट फिर बाहर सजग हो जाओ फिर अंदर सजग हो जाओ फिर कुछ आया किसी ने बुलाया ठीक है आप उठ के गए वहाँ पे गए बाहर गए कोई आ रहा है जा रहा है एंड देन यू आर सींग स प्लांट्स आपके फ्लावर पॉट्स में बहुत सारे प्लांट्स लगे यू आर लुकिंग एट दैट उसके बारे में सजग हो गए हैं यू आर सींग ब्यूटी इन द इल्यूजन माया जगरी में वाह एक फूल माया यू नो ऑल दिस मल्टीप्ले ऐसे करके आपको वो हैबिट्स डेवलप करते जाना है एंड लॉकडाउन इज द बेस्ट पीरियड मैं बोलू लॉकडाउन के बाद जब भी ये खुलेगा और थिंग्स विल विल यू कम बैक टू नॉर्मल आपको ये सूझेगा नहीं ये सब टाइम नहीं मिलेगा करने को तो आप कर डालो और पंद्रह दिन भी अगर है तो काफी है टू चेंज रिप्लेस यूर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस सीरियसलीफ यू डू यू कैन कंप्लीटलीवरऑल योर सेल्फ वन एटी डिग्री चेंज कायाकल्प अंदर और बाहर से सो धिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अवेयरनेस यू कैन डू इन साइड आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंट्री के साथ स्प्रेडिंग एनर्जीज चेतना वहां लेके जाओ यहाँ लेके आओ अगर आपको बैठा है भाव है सब और आपको ओ, आज गुरुवार है मैं तो हर गुरुवार को साई मंदिर जाता था आज भी जाता हूँ कैसे सब लोग बोलेंगे कहाँ जाओगे मैं जाता बैठो बिना आंख बंद करे बैठे बैठे कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं हो ऐसी जगह में जाकर बैठो आंख बंद करो एंड देन सी योर सेल्फ इन दैट सेम साई मंदिर यू आर एंटरिंग और जो आप कर रहे हो प्रणाम कर रहे हो जो आप रेगुलरली करते हो वो सब करो आपके सूक्ष्म शरीर से वेन यू मास्टर ऑल दिस थिंग दिस इज एस्ट्रल ट्रेवल एक्चुअल एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर में जो ट्रेवल करते जो गुरुदेव चले गए थे अंदर मुकाम्बिका में उनको मना कर दिया था गर्भगृह में जाने के लिए वहाँ श्री चक्र है जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया आफ्टर माँ ललिता माँ द मदर डिवाइन मदर गेव दर्शन there, जहां पे उन्होंने सौंदर्य लिखा था तो गुरुदेव वांटेड गो इनसाइड उन्होंने मना कर दिया आप नहीं जा सकते अंदर गुरुदेव ने बोला मैं जाऊँगा प्रीस ने बोला कैसे जाओगे मैं भी देखता हूँ गुरुदेव बाहर जाके बैठे प्रीस्ट उसको उनको देखते रहे कि कहीं अभी उठ के तो नहीं जाएंगे गुरुदेव ने आग बंद कर दिया अपने अवेयरनेस ही वेंट सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर सुक्ष्म शरीर से के अंदर चले गए जाके अंदर बैठ के उन्होंने पूरा साधना किया जो करना है सूक्ष्म शरीर से पूरा मजे ले लिया एंड वहाँ वो कर रहे हैं यहाँ उनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं सूक्ष्म शरीर का और वहां से फिर वो लौट के वापस आए अपने शरीर में आ गए गॉट बैक इंटू दिस आर द सेम टेक्निक्स माई डियर वंस दैट आई एम टीचिंग यू कम बैक इन टू इट एंड देन ओपन सै रहे प्रिस्ट अभी भी देखते बड़ा है तो प्रिस्ट को खुशी हो रही है ये तो नहीं जा पाए और यहाँ इनको खुशी हो रही है मैं तो जाके आ गया सो ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस अगर आपको साहब मंदिर जाना है या कौन सा भी आपका फेवरेट मंदिर जाना है कुछ ट्रेवल विथ यूक्ष्म कैसे सजगता सूक्ष्म शरीर जब तक सजगता नहीं यू कैनोट कैरी इट

आवास हो रहा है तो इसके लिए गुरुदेव बोलते थे जो जाना है जहां भी आपको जाना है सब कुछ अंदर है कोई भी तीर्थ स्थल ये स्थल वो स्थल तो लोग मुझे बोलते थे घूम रहे हो क्या घूमना है गुरुदेव ने कहा है कि सब कुछ अंदर है तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिधर भी जाना है आप अंदर से ट्रेवल करो मैं बोलता था आप अंदर से ट्रेवल करो मैं करता हूँ बाहर से क्योंकि मेरा गुरुदेव है ना उन्होंने सारे क्षेत्र घूम डाले हैं <laughs> पूरा घूम डाला उन्होंने उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब मैं अंतरिक करूंगा उसके बाद ये सेटल डाउन इनफ एक्सपीरियंस लेट मी इट इट आई कम टू तो आप मुझे कोई ज्ञान मत दो आई नो तो ये फैनेटिज्म में जब आप जाते हो ये कट्टरपंथी आती है ओह oh, ऐसे बट वेन यू आर फ्लेक्सिबल यू नो कि उसका रियल मीनिंग क्या है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मेरा क्वेश्चन ये था द सेम पर्सन हु जाता हूँ एक स्थान नहीं जहां गुरुदेव नहीं गया लेटर उनको जब आत्म साक्षात्कार हुआ वो बोलते भी है मुझे जब साक्षात्कार हुआ तब मुझे पता चल गया कि मुझे वहां ट्रेवल करने की जरूरत नहीं मैं यहां बैठ के भी ट्रेवल कर सकता हूँ गेटिंग इट so so you you will be very bold with with such people who come to scare you with a, in the the in name of the master so if your is high, आप उनको अच्छा तोहफा दे के वापस भेज सकते हो ठीक है ठीक है भाई नो no प्रॉब्लम तेरा इंटेंशन तो अच्छा है लेकिन मेरा इंटेंशन भी देख ली ये है सो द सजगता का प्रैक्टिस टू this यू माइट Want to see this video once more because there are a lot of things that आर revealed in this. बोलते बोलते सजग हो तो you'll catch it. नहीं है तो मैं उस पर स्ट्रेस नहीं करूंगा क्योंकि फायदा नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इज ब्रेथवर्क you यू डू breath work, ब्रीदिंग जितना कर सकते हो आप करो तो मेरे ख्याल से अभी तो छह बजने को आ रहा है एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो भी मुझे बताने थे तो नहीं हुआ तो आई विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट सेशन प्रोबली और एक आधा घंटा आई कम्प्लीट विद पॉइंट जो मुझे बताने हैं और बाकी के जो है नेक्स्ट सेशन में आई कंटिन्यू अगेन बिकॉज दिस इज अगेन डीप सुबह वो सेशन का दूसरा भी कुछ हो गया था वीलिंग एंड थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है हमको तो दैट ऑल्सो वी कैन डू टूडे वर्क मैं हमेशा बहुत ज्यादा जोर देता हूं इस चीज पे वर्क और आपका सजगता इज वेरी पावरफुल सजगता आपकी जस्ट बढ़ा सकता है और आप सजग हो गए तो आपका वर्क चेंज होता है एक तरीका है जब आप सजग हो रहे हो कोई भी चीज पे फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है आपको पेड़ दिख रहा है और आप पेड़ को देख रहे हो अब मैंने क्या बोला Use the same philosophy जो बोला, देख तो आप पेड़ को रहे हो लेकिन आप अनुभव कर रहे हो पेड़ को उस पेड़ को देखना नहीं है उस पेड़ को अनुभव करना है आंखों से जैसे मैंने बोला माँ काली का स्वरूप उस इसमें आप देख रहे हो मिट्टी में देख रहे हो या पत्थर में देख रहे हो और वो जागृत कर रहा है आपका भाव वैसे ही पेड़ आप देख रहे हो तो आप एक भाव जागृत हो रहा है उसके कॉन्शियसनेस क्योंकि आपको कुछ आधार चाहिए ना किसके साथ कनेक्ट करूं तो पेड़ है तो उसको देख के कुछ ज्यादा नहीं करना है देखा लेकिन एक्सपीरियंस किया सजगता से अपनी सजगता से एक्सपीरियंस करना है उसको अपने इमोशन अपने माइंड अपने इंटेलेक्ट से नहीं अपने शरीर से नहीं ये चारों चीज से नहीं अपने शरीर से नहीं अपने माइंड से नहीं अपने इंटेलेक्ट से नहीं अपने और को क्या गया? इमोशन से नहीं इन सब चारों चीजों से नहीं सजगता से आपको एक्सपीरियंस करना है सजग क्या है अभी आप कैसे सजगता करते हो अभी मैं बोल रहा हूं ये चित्र ही देखो डो इट now watch me forget the chitra you look now and become sajag of yourself khud ke bare mein sajag ho jao full body ke bare mein ek sath sab kuch haddi pasliyan andar ke organs ये blood blood circulation nerves सब कुछ फीट घुटना छाती हेड अंदर ब्रेन सब सब कुछ एक साथ जस्ट जस्टी अनुभव करो अब आप सजग हो गए हो आपके बॉडी पर अंदर और बाहर दोनों कंप्लीटली एक साथ जैसे मैंने चेस का बोला था सिंग एवरीथिंग एट वन टाइम वो सजगता भार आपके और में ले जाओ विच इज एक शाइनिंग काइंड ऑफ अ लाइट बॉडी ऑफ लाइट जो कवर कर रहा है और फील करो कितना भी फीट आपको फील हो रहा है इंच हो रहा है मीटर हो रहा है फीट हो रहा है क्या है फील करो सबका और अलग अलग शेप्स होते हैं तो आपको क्या फील हो रहा है एक्सपीरियंस एंड अनुभव द और इफ आर डूइंग इट राइट आपके बॉडी में कुछ सेंसेशन होगा एक सजगता आ जाएगी सडनली एक स्थिरता आ जाएगा हेल्प फील करो पूर्णता से मतलब एक साथ सब फील करना आपको अंदर बाहर आपका एंड प्लस की और सजग हो जो सजगता आपकी और सिर्फ और वाला सजगता फील करो बाहर का शरीर का छोड़ दो, सिर्फ बाहर, जो आउटर, जितना भी दूर है छोटा है जो भी आप फील कर रहे हो आपकी पूरी अटेंशन वहां है मतलब आप अभी अंदर नहीं हो आप एक्चुअली बाहर उसको फील कर रहे हो वो घर था घर के अंदर जो लाइट बंद करी आपने देखा अंदर से महसूस किया वो आप थे घर दिख रहा है आपको लाइट बंद किया तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप उसी प्रकार से आप देख रहे हो इस चीज को बाहर के और को अनुभव करो दैट यू हैिफ्टेड इन टू दर से देखते थे वो घर का आप बाहर आए होंड यू आर इन दिस यानी आपकी सजगता इसमें है सजगता मैंने क्या बोला वो आप है रियल तो वो सजगता अब ये और के अंदर आ गया आपको ऐसे फील करो कि मैं यहाँ हूं ये और के अंदर हूं फील दट सजगता दैट यू इज़ एक्सपांड एंड गोइंग टू दिसवान नित्यानंद का, या का भी आप connect कर रहे हो या गुरु दैट आउटर और आई हैज नाउ कनेक्टेड इन टू दैट फोटो फोटो को मैंने क्या बोला देखना है बस माँ काली का पत्थर रूप देखा जैसा लेकिन आप चेतना से कनेक्ट कर रहे हो अब ये जो सजगता आप, आप अनुभव कर रहे हो, सजगता जो आप फील कर रहे हो इस एटमॉस्फेयर को बाहर का एटमॉस्फेयर जो फील हो रहा है आपका औरा का, उस एटमॉस्फेयर से आप फील करो इनकी चेतना या इनकी चेतना दे आर कॉन्शियसनेस यू आर ओनली सीइंग इट द फोटो टू ट्रिगर भाव ट्रिगर होता है फोटो में कुछ नहीं है एक भाव ट्रिगर होता है कॉन्शियसनेस में है और उनके कॉन्शियसनेस में हो जाओ जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं एंड जिसको भी अनुभव कर रहे हो उसको अनुभव करो उनको देखो नहीं उनको अनुभव करो फिर बोल रहा हूं इनको देखो नहीं इनको अनुभव करो उसी तत्व से जो आप सजग होकर अनुभव कर रहे थे एन व्हाट एवर इज हैपनिंग जस्ट एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस जो बोल रहा हूँ उसको सीरियसली आप करना और कोई चीज कोई व्यक्ति कभी नहीं इन सब चीजों में जो सेल्फ रियलाइज मास्टर्स है लिबरेटेड बींग्स है ओनली उनके साथ इतना कनेक्ट करना नहीं तो दूषित कॉन्शियसनेस लोगों का आप ले लोग यू गेटिंग इट नाउ अभी चित्र आप सामने रख के आपने देखा आपको एक आधार चाहिए था एक प्रूफ चाहिए था तो उससे आप कनेक्ट हो पाए अब बिना चित्र का प्रैक्टिस दिस नाउ यू हैव अवेयरनेस सजगता है अपने फेवरेट इष्ट को सामने लाओ हु एवर इज योर इष्ट इन वॉट फॉर्म वो आइडल में है या फोटो में है जिसमें भी है टाइप कुछ नहीं करना यहाँ पे टाइप कर रहे हो तो आप आ गए धरती पे ये टाइपिंग करने का टाइम नहीं है प्रैक्टिस करो वो इष्ट के जो भी फॉर्म है उसके कॉन्शियसनेस को फील करो वो इष्ट को फील करो वह भी आप पत्थर नहीं है फोटो नहीं है आपके सामने तो मैं आप भी आपको बोल सकता हूँ कि उस इष्ट को फील करो जो भी आपको जैसे भी दिख रहा है मूर्ति क्योंकि वो दिख रहा है वो भी है नहीं रियली वो भी आपका चेतना में उसके कॉन्शियसनेस उसका जो पावर्स पावरफुल कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ सबको अलग अलग आभास होगा ये ये जरूरी नहीं है कि क्या आभास हो रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वॉट यूर फीलिंग क्या हो रहा है एहसास जो हो रहा है उसको फील करो द कॉन्शियसनेस बिकॉज आप अभी आपके इष्ट के कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो अनुभव कर रहे हो उस कॉन्शियसनेस को दिस इज कम्युनिकेटिंग विद यू आर मर्जिंग विद द कॉन्शियसनेस Close your eyes now. It will become even more powerful. इवन बंद करो. अभी मन का स्वरूप आप ले आओ मन में वो स्वरूप ले आओ जिसका भी आपका इष्ट आपका गुरु कोई गुरु मंडल से कोई सिद्ध जो भी इन वेरी हायर डायमेंशंस में है बस सोचो उनके बारे में वो चित्र सामने आ जाएगा मन में चित्र के साथ कुछ नहीं करना है वो जो एक्सपीरियंस है आपका सजग होने का उस सजगता से उनको अनुभव करो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन से अनुभव करो इंटेलेक्ट से अनुभव करो इमोशन से अनुभव करो तन से करो मैं बोल रहा हूं सजगता से अनुभव करो उनको वेरी पावरफुल प्रोसेस अब एक नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ ध्यान उस पर देना टाइपिंग पे कोई ध्यान मत दो डोंट फॉल डाउन इन टू थर्ड डाइमेंशन प्रैक्टिस करो आंख बंद करके ही आप देखो उस इष्ट को एक्सपीरियंस करो अच्छे से इन यर फुल कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस से मन से नहीं फील करो अनुभव करो उसका आभास हो आपको अब उस इष्ट को जो जिसके साथ आप मर्ज हो रहे जैसे लग रहे आपको जो भी अनुभव हो रहा है आपको, उस इष्ट को सीधे ले आओ अपने हृदय में ब्रिंग इट स्ट्रेट योर हार्ट अनाथ चक्र जहां है और आपके हार्ट में उसको स्थापित करो उस इष्ट को जो भी आपका फेवरेट है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा जुड़े हो उस तत्व को ले आओ जैसे भी आपको दिख रहा है जो भी स्वरूप दिख रहा है, वैसे ही उसको में इंस्टॉल करो और हृदय से अब उसको अनुभव करो सजगता से हृदय में उसको उस तत्व को अनुभव करो आप देखोगे इट इज एक्सपांडिंग एंड पावरफुल उसका प्रकाश देखो आप डार्जिलिंग लाइट जो निकल रही है उस इष्ट से जो अब स्थापित है हृदय में डार्जिलिंग लाइट पावरफुल एक्सपीरियंस द कॉन्सियसनेस ऑफ दैट तत्व जो भी इष्ट या जो भी स्वरूप को आपने अभी स्थापित किया और प्रसन्न चित्त होके उसको आप अनुभव करो और वहां से भी प्रसन्नता निकल रही है उसको अनुभव करो उस कॉन्शियसनेस से आप यू माइट वॉन्ट टू सी इट स्माइलिंग इष्ट को स्माइल करते हुए स्माइल इज एन इंडिकेशन प्रसन्न स को एक्सपीरियंस करो आपको उस से करता हुआ। उस से ही सारा निकल रहा है आपके लिए जो आपके रोम रोम में भर रहा है आपके कण कण को आपके रोम रोम में सब समा जा रहा है कंप्लीटली filling अब वही सजगता से धीरे से आंख खोल के देखो अनुभव करते रहना अनुभव रुकना नहीं है आंख खोल दिया वो रेज वो जो ग्लोरी है वो जो स्प्रेड हो रहा है लाइट उसको आप अभी भी अनुभव कर रहे हो उस इष्ट को अभी भी आप अनुभव कर रहे हो सब फीलिंग्स अभी भी अनुभव हो रहे हैं कोई अनुभव आंख खोलने से बंद नहीं हुआ है क्योंकि ये सच्चाई में होता है आंख बंद करने से ऐसा लगता है कि ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था स्वप्न में वो चीज हुआ लेकिन आंख खोल के भी एक्सपीरियंस हो रहा था दिस इज द सेम अनुभव जस्ट सजग होते आप उसको अनुभव करो आप देख रहे हो एक्टिव आपको पेरिफेरल विजन भी सब दिख रहा है रूम के अंदर भी क्या है सब सजग हो लेकिन साथ ही साथ आप इस अनुभव को भी अनुभव कर रहे हो आभास कंप्लीटली है इष्ट से आपका वो रेडिएशन हो रहा है बाहर ब्लेसिंग्स से प्रसन्न चित्त

That से आप जुड़े होट डेवलप्स इन टू में है तो डिवाइन लव हमेशा निकलता रहे, हैं। निकलता रहे हैं। तो इस भाव में जब आप अपने आप को पाते हो और फिर आप जो भी कुछ करते हो उसके बाद दिस इज ऑलवेज रेडिएटिंग इसका आवाज़ हो इसको हटाना नहीं है ऐसा नहीं कि ध्यान बंद कर दिया सब चैप्टर बंद और वो चले गए नहींप इट ग्लोइंग किससे आपको मन से कुछ नहीं करना है सिर्फ सजग होना है उसके पास अभी आप जब भी सजग होंगे यू सी दैट एक्सपांडिंग क्योंकि वो इट्स एक्टिवेटेड विथ योर सब्जेक्ट जब भी उस पे बारे में सब्जेक्ट हो जाएगा तुरंत आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे तो नाउ यू डोंट हैव टू डू दैट कनेक्शन पुल इट हियर वो ये कुछ नहीं है इट इज स्थापित इट इज इंस्टॉल्ड तो उसको वहां रहने दो जो भी स्थापित में रखा है एंड आई विल कम बैक टू द फिनिशिंग लाइंस ऑफ द टॉपिक्स तो मैं आपको बता रहा था ब्रेथ वर्क सांसे जो हम लेते हैं दो तरह के सांस होता है पता नहीं आज मैं कितना रिवील कर इसके बारे में बट इट्स गुड इंफॉर्मेशन दो तरह के सांस होते हैं एक है फिजिकल एक है सटल एक है ग्रॉस एक है सटल यानी एक है स्तूल एक है सूक्ष्म स्तूल वो होता है जिस जो फील होगा आपको तो आप सांसों के बाद यू जस्ट फोकस श्वास पर फोकस कीजिए आपका और थोड़ा लंबा सांस होने दो अंदर इनहेलेशन और एक्सलेशन जितना आप कर सके हो कोई काउंट नहीं है जो भी आपको कंफर्टेबल लगे जितना भी समय आप खींच रहे हो जितना भी कंफर्टेबली आप छोड़ सक रहे हो उसको लेकिन रिलैक्स्ड ब्रेथ हो रिलैक्स्ड इन ब्रेथ रिलैक्स आउट ब्रेथ अब आप देखोगे आपका नाक का जो ये पोर्शन है ये पोर्शन में आपको क्लियरली फील होगा वो हवा जा इसके अंदर से सूक्ष्म होता जाता है और नीचे आपको आभास नहीं होगा आपका सिर्फ पेट फूलेगा पेट सिकुड़ेगा लेकिन अंदर कितना आभास हो रहा आपको है आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा लेकिन यहां पे बहुत क्लैरिटी रहेगा उसको फील करो वो स्थूलता है वो स्थूल श्वास है अंदर से आपको फील होगा होता होगा कैसे वो टच करके जा रहा है यहाँ तक उसके बाद आपको आवाज नहीं है तो इसी जगह वो फील करो वो जो फीलिंग हो रहा है वो है स्थूल श्वास जो फील यानी अगर आप उंगली भी रखोगे आपको फील होगा हवा दैट इज स्थूल अब और एक होता है उसमें सूक्ष्म श्वास क्या आप उसको सूक्ष्म कर सकते हो कि आभास ना हो श्वास ले रहे हो श्वास छोड़ रहे हो लेकिन वो फीलिंग कहीं ना हो जो आपको टच भी करे लेकिन श्वास लेनी है और छोड़नी है तो आई लिव इट ऑन योर इंट्यूशन आई लिव इट ऑन योर चेतना टू वर्क इट्स अ वेरी सीक्रेटिव प्रोसेस ऑफ यू सिक्रेटिव नहीं बोलूंगा फिर वो कुछ अलग वर्ड हो जाएगा बट योगीज के कहीं डीप प्रैक्टिस है सक्सेस पहले तो आवाज हो रहा था आपको ग्रॉस हवा का टेम्परेचर या वो मूवमेंट वो हो रहा था अभी आप श्वास ले लो लेकिन कहीं टचिंग का फीलिंग ना आए वो हवा जा रही है वो भी पता ना चले हवा बाहर निकल रही है वो भी पता ना चले कैन यू डू दैट यू कैन राइट योर कमेंट्स अगर आपको हो रहा है यस नो में आप बता दो समझ में आएगा यस yes, यानी मुझे फील हो रहा है यस यानी कि मुझे फील हो रहा है आवास हो रहा है यानी कि मैं जो कह रहा हूं वो नहीं हो पा रहा आपसे क्योंकि आपको अभी भी फील हो रहा है और नो यानी कि मुझे फील नहीं हो रहा है श्वास समझ में भी नहीं आ रहा वो ना सूक्ष्म तरीके से अंदर बाहर हो रहा है यू कैन गिव मी योर फीडबैक्स यस और नो जी आप यस कह रहे हैं मतलब आपको फील हो रहा है कैन फील मतलब सबको सूक्ष्मता फील नहीं हो रहा है वो हवा फील हो रहा है भी नहीं। एक दो व्यक्ति को नहीं हो रहा है सूक्ष्म तरीके से हो रहा है इफ यू कैन गेट दैट इज दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू सी वो जो व्रत है जो आपको फील ना हो वो है सूक्ष्म और सूक्ष्म से प्राण ज्यादा जाता है अंदर हवा नहीं जाता कई लोगों को हो रहा है बहुत ही कम लोगों को आवाज नहीं हो रहा है मतलब सुक्ष्म ब्रेथ फील हो रहा है नाउ ऐड योर सजगता टू इट सजगों के नहीं करोगे सेम प्रिंसिपल्स से, है थर्ड डायमेंशन से करोगे स्थूलता आएगी सजगता नीचे गिर गई स्थूलता आएगी अब सजगता उठा के बिकम अवेयर ऑफ ब्रेथ और अवेयर सजग होते हुए उसको बिना टच किए अंदर लेने की कोशिश करो बिना टच किए बाहर लेने की को कोशिश करो फीलिंग रिलैक्स एंड स्लीपी सोना नहीं है भाई ये डिफरेंस है मेडिटेशन और साधना में साधना में व्यक्ति अलर्ट रहता है अंदर क्या हो रहा है सब कुछ उसको एहसास होता है पूरा वो रहती है एवरीथिंग अवेयरनेस है? है कितना भी डीप चले जाओ वो एक अवेयरनेस रहता है क्योंकि वो कॉन्शियसली काम कर रहा है अंदर जो भी करना है साधना में जो भी गुरुदेव ने साधना दी है उसके लिए यूनिट भी कॉन्शियसली अलर्ट रह मेडिटेशन में आप सो में चले गए वो कुछ पता नहीं साधना में और मेडिटेशन में ये डिफरेंस अंदर लेते हुए कोई आवाज नहीं हो रहा बाहर छोड़ते हुए ओके देर इज अ डिफरेंट मास्टरी नाउ आई कैन टेल यू जब आप खर्राटे लेते हो कैसे खराटे लेते हो यह आवाज आएगा। संतो गेटिंग आई एम कैन यू डू दैट आगे पीछे का मत बताओ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना मैं जो जितना पूछता हूं उतना बताओ वो व्याप्रुट होता है सूक्ष्म में जाता सूक्ष्मेशन वो सब नहीं चाहिए यस सर नो जितना टू द टॉपिक बात करो नहीं तो फिर हम स्टोरी टेलिंग में निकल जाएंगे विशाल जी बाद में तमाशा कर लो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आप सीरियस बात कर रहा हूं मैं खराटे ले पा रहे हो खराटे में क्या होता है ऊपर आप देखोगे यहां पे नेजल अंदर उस तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जो ये आवाज आ रही है आप देख रहे हो इसको मैं जितना बोल रहा हूं वो करो वो उसमें मत जाना कूलिंग हो रहा है मैं पूछा ही नहीं हो वट एम आई आस्किंग यू आई एम आस्किंग यू ये आप आवाज आ रही है जब आप ये कराटे ले रहे हो उसमें क्या होता है ऊपर जो आपका पार्ट है वो दब जाता है वो दबने से आवाज आता है इसके अंदर से बड़ी तेजी से वो निकलती है हवा पहले जब आप हवा ले रहे ऐसे खुला था अब आप ये जब कर रहे हो ये बंद हो गया तो इसके अंदर से बड़ी मुश्किल से आ रही है इसलिए वो आवाज आ रही है समझ आ रही है आपको वो हो रही है तो अब वो स्नोरिंग जो है उसको पहले आवाज किया मैंने अभी अब आवाज बंद करो उसका और वैसे ही स्नोरिंग करो बिना आवाज का इफ यू गेट इट वेरी वेल एंड गुड इफ यू डोंट गेट इट प्रैक्टिस तो आवाज जब आप बंद करोगे ये खराटे लेने वाला खराटे वाला खर्र खुर जो है वो बंद करोगे और उसी प्रकार से आप खराटे वाला ही श्वास लोगे आप देखोगे सूक्ष्म होता जाएगा स्थूल नहीं रहेगा सूक्ष्म होता जाएगा उसको अब मैं भी वैसे ही ब्रीत कर रहा आप देखो नाक में लग रहा है क्या हवा हो रही है हवा अभी महसूस नहीं होगा इफ यू आर डूइंग द स्नोरिंग ब्रीदिंग विदाउट द स्नोरिंग आवाज खर्र कुछ नहीं आना है साइलेंट लेकिन अंदर से उसी प्रकार आप श्वास को ले रहे हो छोड़ रहे हो जैसे श्वास में वो दब गया है लेकिन इसमें से खींच नहीं रहे हो आप सूक्ष्म तरीके से उसको एयर मूवमेंट कर रहे हो जिसको भी मिला जिसको भी वो सुक्ष्मता मिली इट रेस्ट यू इट्स ऑल इन प्रैक्टिस ये जादू नहीं है इट इज अ पार्ट ऑफ साधना जो योगी इस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म ब्रीदिंग थ्रू योर नॉस्ट्रल्स आप शैलो करो कुछ भी करो लेकिन यहां पे यू शुड नॉट फील इट यू शुड नॉट बी एबल टू फील इट ग्रॉसनेस उसका ग्रॉसनेस आ रही है तो अभी भी प्रैक्टिस नहीं हुआ तो यू कैन प्रैक्टिस दैट मेरा कहने का मतलब यह है प्राण ऊर्जा चारों ओर स्पेंड हो रही है अपने आप मैं ऊर्जा कहाँ स्पेंड हो रहा हूं वो कभी पूछ नहीं रहा मैं हम अभी काम कर रहे हैं इस पार्ट पे मैं पूछ रहा हूं स्थूलता कम हुई कि नहीं देखो फोकस नहीं कर पाते हम लोग एक चीज पे है ना वे आर आई एम सो फोकस्ड इन टेलिंग यू समथिंग आप कहीं कुछ और कुछ 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 कर रहे हो प्रैक्टिस फॉर होल्ड आप ये सब नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिकल आप करो बट जब भी आप सजग होते हो ब्रेथ पर बोल रहा हूं आप बोलते हैं ना स्वास पर सजग हो जाओ कभी भी आप बैठे हो श्वास पर सजग होना है तो श्वास इस टाइप पे लेने की सजगता ले आओ, वाला नहीं जो, ग्रॉस दिस इज ग्रॉस सूक्ष्म ये ऐसा है लेकिन आवाज नहीं आएगा तो सूक्ष्म हो गया एंड उसके अंदर बहुत पावरफुल है वेन वो सूक्ष्म हो जाए पूरी तरीके से सजग जब भी होते हुआ उस सूक्ष्म श्वास लेना जिस चीज पे भी आप सजग होते हो जो भी प्रोसेस मैंने पूरा बताया सजग सजगता 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 उस टाइम पे इस टाइप का श्वास लेना अंदर इट विल बी साधना इट विल बी ऑर मर्जिंग इट विफेक्ट ब्लैंड ऑफ द होल किस्सानेस मर्जिंग विध कॉन्शियसनेस परफेक्शन में होगा और वो होगा कि समझो आप एक इष्ट को आप एक टेम्पल में एक इष्ट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो कॉन्शियसनेस और जैसे आप कॉन्शियसनेस सजग हो के कनेक्ट हो गए एक बार कर लो इसको ट्राई कर लो होगा तो ठीक है नहीं तो प्रैक्टिस गो टू द सेम टेम्पल और सेम इष्ट जो आपके मन में आ गए थे सजग हो जाओ अबाउट दैट आंख खोल के इष्ट और उसको रेडिएट होते हुए फील करो कॉन्शियसनेस को फील करो अवेयरनेस को उसके बारे में सजग हो जाओ इष्ट के बारे में और सजग होते होते अब ये श्वास ले लो सूक्ष्म श्वास ऐसे फील करो कि यह श्वास जो है ये डायरेक्टली उस एक्सपीरियंस जो है आप जिस कॉन्शियसनेस में हो जिस इष्ट के साथ हो वहां से आप उसको ब्रीद कर रहे हो अंदर सूक्ष्म तरीके से अंदर बाहर

बहुत कुछ हो सकता है इफ यू फाइन ट्यून इट सो इट इज ऑल ऑन दैट जैसे आप प्रैक्टिस करते हो अब उस भाई मुखी को छोड़ के कम बैक टू योर इनर हार्ट में जहाँ आपने स्थापित किया था द मोमेंट यू कनेक्टेड यूल टू फील इट क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले उसको स्थापित किया हुआ था लेकिन सजग हो जाना स्थिर हो जाओ सजग हो जाओ और अगर फील करना है आप इमीडिएटली फील नहीं करते हो तो हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ फील कर पहले बॉडी के बारे में सजग हो जाओ पूरी तुरंत एक अचानक सा फिर और में आ जाओ आपके और को फील करो सजग हो जाओ उस और के सजगता से अब आप इस इष्ट को फील करो और इस ईस्ट को जब आप फील कर रहे हो वन मेथड, अनुभव करो उसको रेडिएट करता हुआ प्रसन्न चित्त ठीक है आई थिंक यू आर गेटिंग इट राइट एंड आई नो जो फर्स्ट टाइम आपने जो इंस्टॉल किया था इट वॉज वेरी पावरफुल तो नाउ यू टेल मी योर एक्सपीरियंसेस, ब्रेथ का छोड़ दो ब्रेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट ब्रेथ तो मैं ऐसे ही आपको बोलते बोलते बता दिया था ब्रेथ वर्क इज समथिंग डिफरेंट जो आपको ये प्रैक्टिस करके आपको ये करना है दिस इज़ वन ऑफ़ द प्रोसेस विच द योग इसको काफी करने के लिए इट टुक मी इवन कम टू रिदम। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्रोसेस तो यू कैन डू दैट एज सेपरेट बोगंजा तो उसको इससे कुछ लेना ले। लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस वाली जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले आपको करवाया सजगता से फर्स्ट इस से गुरुतत्व से या फिर इष्ट से जो आप पहले देखे आंखें खोलते हुए कनेक्ट हो गए अनुभव किए फिर आपने आंख बंद कर दिया फिर इट बिकेम मोर पावरफुल फिर उस चीज को यहाँ स्थापित कर लिए देन यू आर रेडिएटिंग फ्रॉम हियर एंड नाउ यू कैन फील दैट उसको फील करते हुए सजगता से तो इट बिकम्स मोर पावरफुल बिकॉज आपके आत्मन में द इष्ट का आत्मन द कॉन्शियसनेस ऑफ योर गॉड और योर फेवरेट डाइटी और जो भी है तो दैट एम्पावर्स दैट अवेयरनेस मोर पावरफुली और दूसरा एक अभय का भाव आएगा हमेशा क्योंकि हृदय में अगर भगवान स्थापित है तो भय किस बात का यू नो दैट गॉड इज विद इट इज रेडिएटिंग इस चीज को हमेशा आप जागृत रख के उसको ईंधन दो ईंधन किस से सजगता से जितना आप सजगता से दोगे उतना वो स्प्रेड करता रहेगा इट विल एमिट गोल्डन लाइट डिवाइन लाइट अनकंडीशनल लव और फिर आप देखो आप सजग रहते रहते हमेशा इट्स लाइक like निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है देर इज और आप कुछ भी कर रहे हो इट इज देर सुबड़ी कम्स एंड निकल रहा है आपके हृदय से दे विल फील इट पैल्पल एनिमल्स विल फील इट नेचर विल फील इट एनी थिंग दैट यू थिंक फील इट और जब ये आवास रहेगा बुरा कार्य नहीं होगा क्योंकि योर इस्ट इज वेरी पवित्र आपके लिए तो ये आपका टेम्पल है ये मंदिर है ये मंदिर के अंदर ये गर्भगृह है गर्भगृह के अंदर आपने इष्ट को स्थापित किया है और इष्ट को स्थापित जहाँ किए वहां पे दूसरा मैल नहीं, नहीं आ सकती है so इष्ट हमेशा ब्लेस प्रसन्न चित्त मुद्रा में देर इज वन स्टैच्यू ऑफ पंचलोहा नित्यानंद बाबा का उधर कांजगाड़ आश्रम में जो आरती वगैरह में आपको रेगुलरली वहाँ जाके मैं आपको लाइव करता था फोटो भी देखा होगा ऐसे बैठे इसको बोलते हैं अभय मुद्रा तो उस टाइम पे मैं जब साधना करता था ये गोपाल कृष्ण शेनवाई जी ने बताया था मुझे यार शेड दिस गोपाल कृष्ण शेनवाई जी के पिता डायरेक्ट डिसाइपल थे भगवान के रघुनाथ शेनवाई तो उनके बेटे अभी भी हैं वो मुंबई में भोपाल कृष्ण शर्मा इस नेम इज तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था दिस इज दी अभय मुद्रा जो नित्यानंद बाबा वहाँ बैठे हैं और इसको अभय मुद्रा यानी कि निर्भय होना अभय होने की भय की चिंता नहीं है आई एम हियर दिस ब्लेसिंग सिंबल जो बाबा का है तो उस चित्र को मैं तब साधना करते करते इस प्रकार से स्थापित करता था और स्थापित करने के बाद The experience was totally different because it was a protective force of. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं एक एक अपनी इसके बारे में शेयर कर रहा हूं और ये डीप मेडिटेशन कुछ नहीं ये सब सजगता से है उन्होंने भी कोई मेडिटेशन नहीं बताया उन्होंने सिर्फ वो तत्व बताया वो तत्व को आप हृदय में इंस्टॉल करो वो अभय होके हमेशा रहेगा आपके साथ निर्भयता रहेगी So, अपनी विधि से किया बट दिस जल रहा है हमेशा वो तत्व से निकल रहा है और मैं फील करता था हमेशा इन दैट मुद्रा सो यू कैन जो इष्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है जो डाइट जो भी जिससे भी आप कनेक्टेड हो यू कैन डू दैट गुरु का है तो गुरु का भी रख सकते हो इन वॉट एवर प्रसन्न चित मीन स्माइलिंग ब्लेसिंग तो हाथ का मुद्रा भी यू कैन क्रिएट इट आपके माइंड से क्रिएट किया इट बिकम्स एस पावरफुलज एंड तो अभय मुद्रा में कोई भी आपका इष्ट भी बैठे हुए आप देख सकते हो ब्लेसिंग यू एंड गिविंग यू फियरलेसनेस तो दैट विल गिव अ डिफरेंट पावर डायमेंशन टू योर एक्सपीरियंसेस इट विल प्रोटेक्ट यू आल्सो एंड एक भय नहीं रहेगा बिकॉज एनी टाइम यू फील फियर यू कनेक्ट टू दैट वेरी पावरफुल इफ यू प्रैक्टिस इट प्रैक्टिस इट प्रैक्टिस उसको ऊर्जा देते देते आप इसको कंप्लीटली पे स्थापित कर दिए दिस इज योर टेम्पल एंड एंड दिस इज इट रेडिएट और जब भी आप कुछ भी किसी को कुछ कर रहे हो दे रहे हो इट मीन्स yeah, निर्भय इज भय निर्भय इज भय निर्भयता मीन्स भैया लिखा है क्या नहीं निर्भयता इज फियरलेसनेस नो फियर तो इस प्रकार से जब आप किसी से बात करते हो किसी के बारे में सोचते हो और चिंता 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 ये चिंता वो चिंता आ रही है चिंता तो यहां आती है तांडव करती है अब वो प्रोसेस जो फर्स्ट फर्स्ट अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया था उस सेशन में मैंने करवाया था गुरुदेव ने मुझे बोला थिंक फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द माइंड तो पहले मैं माइंड में लाया उस चीज को क्या टेंशन है उसको फील किया बहुत अच्छा नहीं लग रहा अब वो उसको वहां छोड़ दिया मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया ये अपने इष्ट को और ये अभी स्प्रेडिंग दैट लाइट दैट डिविनिटी अब वो थॉट्स को जो परेशान कर रहा है ब्रिंग इट हियर इन टू दिस लेवल नाउ थिंक फ्रॉम द हार्ट यानी कि हार्ट से जो इष्ट का जो है यू स्प्रेड दैट लाइट ऑन इट जो भी वो चिंता है यू विल सी विद इन सेकेंड्स इट विल डिजॉल्व पावर ही नहीं हो सकता उसके सामने क्या है चिंता विंता है टू दिसर वाइब्रेशन इट विज इवन इफ यू फियर फीयर इज इन द माइंड इट कैन नेवर बी इन दार्ट इट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट बट यू माइट फील इट हर बट इट ऑल प्लेज तो उस फियर को जो भी फियर है फर्स्ट यू अवेकन दिस ब्रिंग इट हियर एंड यू एक्टिवेट दिस फील दिस एनर्जी फील की इट इज पावरफुल इनफ तब इसको फियर को नीचे उसको वो इष्ट का ग्रेस दे दो एंड यू कैन फील इट नॉट सी इट फील इट एक्सपीरियंस अनुभव करो उसको ट्रांसमिट होते हुए क्योंकि फियर इज एन एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है आपके सामने विद इन सेकंड आप देखोगे वो गया हो फीलिंग सब गया

या फिर कोई क्वेश्चन है यू कैन ओके व्हाट एवर यू सॉ मैं वो नहीं पूछ रहा हूं मतलब हाउ वॉज इट हाउ सक्सेसफुल वॉज इट आप वो एस्टेब्लिश कर पाए कनेक्शन दट फीलिंग वाज वाज इट कंप्लीट अंदर क्या क्या वो डिटेल्स वो यू कैन कीप इट हिडन टू यू ये जितने भी मैंने बताया दिस विल एनहैन्स द सजगता अगेन फर्दर एंड इट विल प्यूरिफाई सजगता इट विल गो ऑन एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग ऑस एक्सपांडिंग और ये अभी पावर यू आर एडिंग बूस्टर पावर बूस्टर टू इट या आई एम लिविंग दिस मेडिटेशन नो प्रॉब्लम फीलिंग प्लेज़ेंट एंड शांत इज दैट सजगतास एक्सपीरियंस इफ हार्ट रिफ्लेक्शन इज इन माइंड ये देखो मुझे पता नहीं है आप क्या क्या तिकड़म बना रहे हो मैंने सिंपल प्रोसेस आपको बताया आप दोबारा इसको सुन लो इट इज ऑल क्लियर उसको चेंज करके फिर मुझे कुछ नहीं पूछना मैं नहीं जानता वो आपका क्रिएशन है फिर इसको सुन लो दोबारे से आई कुड फील स्ट्रांग वाइब्रेशन रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर रियली प्लाइंडिंग एंड पावरफुल दिस इज वॉट आई आई ऑल्सो वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट breath that automatically becomes sushumna sushumna new feeling flooding of light flooding all around that's a good experience okay blissful exactly but you will start feeling the heat or the throbbing sensations or light or the energies is because i was feeling it while i was Telling you guys, I was feeling it. So, if you work on it again and again and again and again, you are enhancing it. Absolute stillness everywhere, happy and blissful. Good enough. Good enough. Thank you for sharing. The rest of the people, I assume. और वो गहरी तुरिया अवस्था में है या चले गए हैं या फिर दे डोंट वांट टू शेयर कि हम देखे एक्सपीरियंस करें टाटा भाई भाई चलो फुटो बिकॉज when यू शेयर ओनली इवन आई विल नो वॉट इज हैपनिंग

Deep connection never before. Sensation in our chakra Yes. I was feeling less and powerful vibration around. Suddenly there was no sound lost connection. Later we'll try. Okay. Now, this recording is there. You can see. So something interrupted you. No problem. But you can always see and experience it again. The idea is. कि हमने जो भी प्रैक्टिस किया आपने देखा देर इज नो क्लोजिंग है आपने इंस्टॉल किया उस चीज को और इंस्टॉल कैसे किया आंख बंद करके भी नहीं आंख खोल के यू स्टार्टेड इट उसका भाव तेज करने के लिए मैंने आंख बंद करने को बोला तो इट बिकेम मोर पावरफुल स्टिल फीलिंग वेरी पीसफुल या विल फील इट बिकॉज यू द चैप्टर एंड सजगता इज समथिंग सजगता वो है जो हमेशा आपके साथ चलता है आप उसको ऐसे नहीं अभी आया और मैं सजग हो गया फिर मैं उसको बोलूँ ओके थैंक यू अब क्लोज डाउन अब मैं अपना लाइफ करता नो सजगता इज ऑलवेज अलर्ट या नीता जी गुड स्टिल फीलिंग भैया स्टिल फीलिंग टिंगलिंग एनर्जी इज द सेम दैट्स गुड तो Now, अभी वो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है सजग हो जाओ इष्ट के बारे में बना से और वेन यू से कमांड अभी भी ट्राई करो सजग हो जाओ अपना वही इष्ट से के बारे में सजग मीन्स यूर क्वाइट माइंड स्टिल सब स्टिल अभी फोकस वहां पे है अभी आप उसको अनुभव कर रहे हो यूल सी इट विल स्टार्ट कंटिन्यू इन रेडिएटिंग आपको दोबारा उसको स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है इट इज ऑलरेडी रेडियटिंग बाहेमुखी जब हम होते हैं या थोड़ा चेतना नीचे आता है इट इट इज देयर बट द ग्लो थोड़ा कम हो गया चिंगारी बुझी नहीं है जैसे साई मंदिर में होता है चिंगारी हमेशा जलती है तो चिंगारी है तो जैसे ही आप बहुत नीचे भी आ गए और सडनली उसे कनेक्ट करना है एंड वेन यू कनेक्ट सजगता गोज अप ऑटोमेटिकली और ये चिंगारी जो है जैसे उसको फ्यूल दिया वो फिर वापस वो फ्लेम में आई गेटिंग गटिंग इट वेन यू डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इट विल हेल्प यू योर होराइजन यूर योर इट विल हेल्प यू प्योरीफाई सराउंडिंग्स प्योरिफाई दिस टेम्पल विच इज मोर इंपॉर्टेंट और एक आभास जब आपको पता है कि आपका इष्ट इष्टिया बैठा है तो गड़बड़ गोल माल है हिम्मत नहीं होगी वहां लाने की क्योंकि उस वही सजगता आपको बताएगा ये क्या गंदे चीजों को आप अंदर ले आ रहे हो ओके इफ यू आर फीलिंग टू टू मच ओवरवेलमिंग देन कट डाउन ऑल दैट यू नीड टू डू इज पुल डाउन बिकॉज जब भी आप कनेक्ट करते हो हायर सोर्सेस के साथ देर इज एनर्जी फ्लोइंग कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होता है एंड इफ देर इज क्लॉगिंग यूल फील ऑल है स्टिल ब्रेथ इज डीप एंड कनेक्टेड स्लो गुड बिकॉज नेचुरल हमारा ब्रेथ डीप और स्लो ही होना चाहिए जब हम ब्रेसलेस होते हैं पैनिक होते हैं फेयरफुल होते हैं तब शैलो ब्रीदिंग होता है या इधर ही ब्रीद होता है अराउंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी हम ब्रीथ करते हैं सोलह से बीस ब्रेथ पर मिनिट ब्रीथ करते हैं If वो जो ब्रेथ का मैंने आपको बताया और ये जो अब स्लो डाउन हो गया सी दैट वो ट्वेंटी से कहीं कहीं आठ तक आ जाता है प्रति मिनट अब चेक कर लो घड़ी सामने रखो कभी भी और शुरू करो एक पूरा अंदर और एक पूरा बाहर जब आता है इट इज वन ब्रेथ कंप्लीट ब्रेथ इन एंड आउट नेक्स्ट इन एंड आउट टू ऐसे करके आप देखो घड़ी जब घूम रही है बारह से लेके बारह तक या डिजिटल में जैसे भी देखना है कितने आप काउंट कर पा रहे हो सिक्सटीन से ट्वेंटी एवरेज लोग करते हैं योगी जो 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 सीकर सीकर चलना शुरू कर दिए पे उनका कम होता है और जो मेडिटेटर्स है कम होता है आठ से दस होता है योगी कैन गो टू मैंने आपको बताया एक एक समय तक मैं जब प्रैक्टिस करता था ये तो वन ब्रेथ होता था इन अ मिनट दैट मीन थर्टी सेकेंड इनहलेशन थर्टी सेकेंड एक्सलेशन एंड ये सूक्ष्म ब्रेथ होता है कहीं टच वच कुछ फील नहीं होता है वेरी सूक्ष्म चलता है तो दैट इज कंप्लीटली द प्राणा जितना आप सूक्ष्म करोगे उसमें एयर क्वांटिटी कम हो जाएगा जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है या सब मिक्स जा रहा है लंग्स ऑक्सीजन ले लेता है तो जो भी दूसरे गैसेस जा रहे हैं वो गैसेस की मात्रा कम हो जाएगी प्राण ज्यादा बढ़ेगा सूक्ष्मता जितना ज्यादा होगी उतना प्राण फिफ्टी परसेंट अगर सूक्ष्म है फिफ्टी परसेंट ग्रॉस है तो उसका मतलब फिफ्टी परसेंट प्राण जा रहा है फिफ्टी परसेंट दूसरे गैस जा रहा है अंदर अनिता जी ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो हाउ डू आई हाउ डज वन मेंटेन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस थ्रू आउट द डे पूरा दिन तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं हाउ टू डू इट

उसको फिर आप जितना एक्सपांड करके चलोगे जब भी सजग भूल जाते हैं हम लोग नॉर्मली वो भी भूल जाते सजगता गिर गई श्वास भी गिर गया या श्वास गिर गया, गिर गया गया सजगता दे आर कनेक्टेड तो जब भी आवास हो उस चीज का जब भी सजग हो नेक्स्ट टाइम आप कनेक्ट कर लो ना दोनों चीज को सजगता जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रेथ उसके साथ जोड़ के कर लो खत्म तो जितने लंबे हिसा आप ले सकते हो करो बिकॉज मैंने क्या बोला श्वास आपके जिंदगी है इतना इतना श्वास आपको दिया गया है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीस हजार श्वास दिया गया है आप समझो आप जितना जल्दी लोगे उतना आपका खत्म हो जाएगा। स्पैन। जितना देरी से आप डिले करोगे आपका लाइफ स्पैन एक्सपांड हो जाएगा दिस इज सीक्रेट ऑफ योगीज ब्रेथ वर्क में क्यों ये ब्रेथ डाउन करते हैं इट इज फॉर दिस रीजन फॉर लॉन्गिटी लॉन्गिटी ठीक है सो होप द रेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस वॉज ऑल गुड और आपने अच्छा अनुभव किया और कुछ पूछना उछना है तो आप कर लो ये अनिता जी आपने जो बोला इट इज द सेम थिंग कैसे प्रैक्टिस करना मैं वही बता रहा हूँ आपको पूरा सेशन में वही बताते आया हूँ कैसे हाउ डू यू मेंटेन होल डे और जितना मैंने पॉइंट्स बताए होल डे का ही तो है और ये सारे पॉइंट जो है ये सजगता से लिंक्ड है ये करोगे विथ सजगता दैट मीनस यू आर प्रैक्टिसिंग इट ऑलमोस्ट ऑल योर वेक फुल आवर्स तो बाकी के मैं जो नेचर के साथ कनेक्टिविटी और वहां से मैक्सिमम कैसे टैप करना वो सब चीजें और दूसरे जो किंगडम्स है वो मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा नेक्स्ट सेशन मुझे पता नहीं कब आई डों टुमारो डे आफ्टर जब भी है आई विल कंटिन्यू बट दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस यू कैन कीप प्रैक्टिस इंड टूमारो यस आई विल डू दैट सेंसेस पांच सेंसेस का भी शार्प नहीं टुमोरो आ द नेक्स्ट सेशन वे नवर आस्ट नोट डाउन यन वी कीप गुरु पादुका इन हार्ट ट आपको जो भी रेडिएट करता है आप सोचो जो वस्तु है जो चीज है जिससे कनेक्टिविटी और पावरफुल आपको ज्यादा लग रहा है दैट यू कैन स्टैब ओके प्रभजोत जी हैप्पी टू सी दैट आप लोगों को सब हेल्प हो रहा है सो दिस आई टेक योर लीव एंड टुडे आज एक सेशन और अच्छा रहा माइंडफुलनेस के साथ या सजगता के साथ बिकॉज ऑफ क्लॉगिंग जो भी है और ये ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है तो छोड़ देना उसको जितना आप ले सकते हो उतना आप करना सारे ऐसे ही होते हैं जब आप प्राण क्रिया करो कुछ भी करो यू स्टार्ट गेटिंग ऑल दि सिम्टम्स मैनी मेनी सिम्टम्स कि वो नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा बिकॉज प्राण शरीर में अगर टू मच ब्लॉकेजेस एंड ऑल दैट हैपेंस देन ऑल दिस हैपेंस तो दूसरा मैंने बोला समर्पण भाव हर एक चीज जो करते हैं सरेंडर आइनस करता भाव कभी नहीं लाना मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ तो मैंने, मैंने किया उससे भी ये रिस्ट्रिक्शंस होता है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज है और हम अपना लड़ाते हैं देर इज अंस्टेंट वॉर टग ऑफ वॉर ऑल काइंड ऑफ पेन्स आर ऑलवेज द स्ट्रगल बिटवीन ईच अदर

ओके आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड हाँ प्रेमा जी गौतम जी केरीना जी मनोज जी ऑल हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू ज्योति जी कल्पना जी परम जी कौर जी दीपा जी संध्या जी रेखा प्रभजोत जी एवरीबडी प्रत्युष जी एवरीबडी गुड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एक्सपीरियंसिंग इट गीता जी गीता जी मेरे ख्याल से आप वहाँ पे कर रहे हो मेरे प्रोफाइल पे कर रहे हो तो वो अभी सडनली मैंने देखा वहाँ पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता बिकॉज वहाँ दिखता नहीं है आई एम हियर इन दिस पेज आईव पुट अ लिंक देयर आई पुट अ लिंक अगेन यू हैव टू जॉइन दिस पेज फॉर एनीथिंग तो so देर वहाँ प्रोफाइल में भी मैं कुछ दिनों के लिए ही मैं कर रहा हूँ उसके बाद आई एम स्टॉपिंग ऑल प्रोफाइल एक्टिविटी कम्प्लीटली पेज पर ही रहूंगा तो so जिसको भी अच्छा लगे इफ़ इट इज़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल यूल फाइंड मी हियर दैन देअर ठीक है जी बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टॉप एक्टिविटीज इन द प्रोफाइल एंड बिगेन मोर हियर इन द पेज तो अभी क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है तो आई एम जस्ट शेयरिंग थिंग्स देयर and i'm not doing very deep or too much things little little jitna ho okay i'm doing jabbi possible i'll come online if i have the pull to do it unki cha i leave it up to them until then i think sravani ji abaji ji vishal ji, bhavani ji

Stay blessed. Bye.